तो मैं उसकी थेरेपी कर रही थी मिड ऑफ द थेरेपी एकदम से इस तरीके से ऐसे करके पूरा मेरे ऊपर ऐसे आया कि मैं इसको छोड़ के तुम्हें पकड़ लूँ क्या अभी तो एक बार तो देखो मेरी भी सांस ऊपर नीचे हो गई किसी को अपनी ही बहन के लिए मदर के लिए सेक्शुअल थाट आ रहे हैं

हमारा कंटेंट भी बेटर हो चुका है आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अब तक हमने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं हॉरर रिलेटेड पोजेशन रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने करी हैं बट कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि किसी पे कोई पोजैसडी हो या बहुत सारी चीज़ें आपकी मानसिक भी होती हैं आपकी सोच से भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं तो उसी एंगल को डिस्कस करने के लिए आज हमने बुलाया बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिका जैन को इनकी बहुत ज़्यादा वेटिंग रहती है महीनों तक सालों तक बट हमारे लिए स्पेशली टाइम निकाल कर मैम आज आए हैं स्पेशली सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम वेलकम मैम स्वागत so, है आपका हमारे नए सेट को आपके पॉडकास्ट से ओपन किया जा रहा है तो हमने सोचा एक नया एंगल हमारी ऑडियंस को पता चले थोड़े आजकल लोग बहुत ज़्यादा एंक्शियस है डिप्रेस हैं अलग अलग तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं फोन बहुत ज़्यादा चला रहे हैं दूसरों को देख कर जेलेस भी हो रहे हैं अपने आप को कम समझ रहे हैं या अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं तो हमने सोचा जरा इस मुद्दे को भी एड्रेस करा जाए तो सबसे... सबसे पहले तो मैम हम ना बहुत सारी भूतों की बातें करते हैं और ये बातें करते कि, कि किसी के बॉडी में कोई आ गया कि किसी ने कुछ देख लिया सो so, काफ़ी बार हम ये खुद सोचते हैं कि ये रियल होता है या बंदा ही खुद सोच रहा होता है तो so, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बताओ कि क्या रियल पिक्चर है देखिए भूतों के बारे में ना कुछ लोग ऐसे विश्वास है कि भूत होते हैं और जिसका ऐसा विश्वास है भूत होते हैं तो उसको जो भी साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है उसको लगता है कि उसको भूत ही चिपट गया है <laughs> और जिन लोगों को बिलीव नहीं है भूत पर तो वो लोग इसको समझते हैं कि ये कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैं किसी की बिलीफ को चैलेंज नहीं कर रही हूँ बट एक्चुअल में जो है साइकोलॉजी के बारे में कहती है कि जो भी ये भूत है ये आपके दिमाग ने पैदा करे हैं एक्चुअल में कोई भूत नहीं होता मैं इतने पजेशन डिसऑर्डर के केसेस देखती हूँ जहाँ पर लोग ऐसे करते हैं कि आवाज़ें बदल जाती हैं अकड़ जाते हैं आंखें बाहर निकाल लेते हैं जीप बाहर निकाल लेते हैं और आवाज़ बदल कर ऐसे भयानक अंदाज में आपके सामने बोलेंगे कि एक बार को तो आपकी भी रूह काँप जाए मैं आपको एक केस बताती हूँ कि मैं थेरेपी कर रही थी और वो लड़का उसकी असल स्टोरी ये थी कि उसको अपने बड़े भाई से बहुत जेलस थी क्योंकि दोनों में शुरू से ही एक सिबलिंग राइवलरी थी पेरेंट्स ने हमेशा बड़े बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया तो उसके अंदर बहुत एग्रेशन भरा हुआ था जब वो बड़े हुए तो प्रॉपर्टी का कोई डिविज़न हो रहा था तो उस टाइम पर भी उसको हिस्सा कम मिल रहा था तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्या है कुछ कर नहीं पा रहा था कुछ भी नहीं बहुत एंजाइटी में था तो क्या है उसके दिमाग ने इस तरीके से एक बीमारी डेवलप कर ली उसको ऐसा लगा कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे भाई ने कुछ मेरे ऊपर करवा दिया है इसलिए इसकी चलती है और मेरी नहीं चलती है अब ये दिमाग ने बनाई कहाँ से कहानी क्योंकि ऐसा हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी हुई है उसने काला जादू करा दिया है इसने वाइट मैजिक करा के ये करा दिया है ना हमने सब कुछ सुना हुआ है कि कुछ करा दिया तो अब उसने कुछ करा दिया तो मुझे पजेस्ट कर लिया उसने यानी कि अब मेरे साथ जो भी कुछ इनजस्टिस हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है अब वो जस्टिफाई करने के लिए माइंड कुछ ना कुछ तो ऐसा वो करेगा तो आप सबकॉन्शियस माइंड ने इस स्टोरी पर बिलीव कर लिया और उसने देने शुरू करे सिम्टम्स बॉडी में क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है तो वहाँ पर जो गुस्से की एनर्जी थी वो आवाज़ बदल कर चीखने में निकल रही थी तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा परेशान था चिल्ला रहा है अजीब सी हरकतें कर रहा है बाल बिखेर रहा है मन ऐसे दाँत किटकिटा रहे हैं हाथों की मुट्ठी ऐसे बांध रहा है पैर पटक रहा है छटपटा रहा है ज़मीन पर लेट कर अपना एग्रेशन का एक्सप्रेशन कर रहा है तो घर वालों को क्या लगेगा कि कुछ तो इस पर ऊपर की आत्मा आ गई है वो ले गए पंडित जी के पास पंडित जी ने कहा हाँ जी बिल्कुल इसके पास तो वो आ गया है कुछ ऊपरी साया है मैंने देख लिया है अब आपको इसके कुछ ना कुछ क्रिया करवानी पड़ेगी आप चले जाओ हरिद्वार ऋषिकेश और वहाँ पर जाकर ये दान करना है ये करना है वो करना है ऐसे उन्होंने पूरा उनका एक लाख का बिल बिठा दिया पूरा अच्छी तरीके से अब कुछ होना तो था नहीं इन सब चीज़ों से क्योंकि ये तो प्रॉब्लम थी अब जब इतना वो एक डेढ़ लाख रुपए एक जगह फिर कहीं पचास हज़ार कहीं ऐसे करके वो चार पाँच लाख के जब नीचे आ गए बुरी तरीके से तो उसके बाद उनको होश आया कि ये प्रॉब्लम कुछ और है क्योंकि धागा भी बंधवा लिया दान भी करवा लिया सब कुछ झड़वा भी लिया सब कुछ करवा लिया लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसा लग रहा है तो तब उन्होंने ये सोचा कि हम किसी मानसिक जो डॉक्टर हैं जो इस रोगों का इलाज करते हैं उनको और दिखा लेते हैं तो ऐसे मेरे पास ये केस आया तो जब मैंने उससे बात करी तो मुझे सब पता चल गया कि कहानी क्या है अब बात यह है कि उसका दिमाग उसे कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं तुम्हारे भाई ने कुछ करवाया है hmm. तो अब मैंने सोचा कि चलो उसकी थेरेपी करके इसको इसके इशूज़ ध्यान दिलाते हैं तो मैं हिप्नोथेरेपी के लिए उसको रूम में ले गई तो हमारे हिप्नोथेरेपी रूम में क्या होता है थोड़ा डिम लाइट रखते हैं हम hmm. ताकि इंसान कम्फर्ट एकदम से कोजी सा फील करे तो मैं उसकी थेरेपी कर रही थी और वो मिड ऑफ द थेरेपी एकदम से इस तरीके से ऐसे करके पूरा मेरे ऊपर ऐसे आया कि मैं इसको छोड़ के तुम्हें पकड़ लूँ क्या अभी तो एक बार तो देखो मेरी भी सांस ऊपर नीचे हो गई <laughs> है ना कि आप के रूम में इतना डार्क है बहुत सी लाइट है आप और आप अकेले होते हैं? मैं होती थेरेपी और... कर रही होती हूँ तो एक बार तो मेरी भी सांस ऊपर नीचे हो जाती है ऐसा कोई केस होता है तो बट उसके बाद क्योंकि हमें पता ही रहता है तो हम कंट्रोलिंग वॉइस में बोलकर उसको वहीं पर कंट्रोल कर लेते हैं और फिर उसको बोला कि हाँ इसको छोड़ दो मुझे पकड़ लो अब कोई भूत होगा तभी तो कोई छोड़ेगा कभी तो कुछ पकड़ेगा ना ऐसे ये कुछ नहीं होता ये सारे की सारी मानसिक बीमारियां होती हैं तो वॉइस भी चेंज हो जाती है हर

हमने डिफरेंट डिफरेंट वॉइस सुनी भी हैं ठीक है हमने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में कहीं ना कहीं कुछ सुना हुआ होता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारा डाटा होता है जब सबकॉन्शियस माइंड अपने पर आता है और किसी चीज़ को प्रूव करने पर आता है तो वो सारे डाटा को शफल करता है जैसे गूगल में से होता है ना बहुत सारा डाटा निकलता है तो वो उस वक्त जस्टिफाई करने के लिए जो ज़रूरी है वो बाहर निकल कर आता है यही सबकॉन्शियस माइंड की पावर है नेगेटिव पावर मैनिपुलेशन और वो उस चीज़ को प्रूव करना चाहता है तो लोगों की आवाज़ बदल जाती है जैसे एक और मैं एक केस बताती हूँ एक लड़की थी उसके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था तो उसकी मदर की और उसकी दादी वगैरह की सबकी बनती नहीं थी तो उसके दादाजी की कुछ टाइम के बाद डेथ हो गई लेकिन घर के कलेश तभी भी नहीं निमटे इस तरीके से रहा तो अब जब वो लड़की बहुत परेशान हो गई तो हिस्टीरिया की शिकार हो गई वो तो वो दबा दबा सा महसूस करती थी हिस्टीरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो मोस्टली पहले फीमेल्स में ज़्यादा होती थी अब मेल्स में भी बहुत सारे केसेस देखने लगे जिसमें कि यही इंसान को ऐसा लगता है इसके ऊपर कुछ ऊपरी पराई आ गई है उसमें भी आवाज़ बदल जाती है आदमी अकड़ जाता है एक ऐसी टेम्प्रेरी बेहोशी सी या डिफरेंट जोन आ जाता है आज भी आप गाँव वगैरह में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे हिस्टीरिया के केस मिलेंगे जैसे वो गर्दन घुमा रहे होंगे देवी आ गई उनके ऊपर या कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे होंगे और लोग उन्हें पहना रहे होंगे उनकी पूजा कर रहे होंगे बट ये तो है साइकोलॉजिकल तो प्रॉब्लम तो सब साइकोलॉजिकल है ओके okay. तो उसमें क्या होता है कि वो जब लड़की बहुत परेशान गई अपने घर के कलेशों से तो एक दिन उसको जब ये हिस्टीरिया का अटैक आया तो उसमें वो अपने दादाजी की आवाज में बोली तुमने मेरे पीछे पूरा उनकी आवाज़ बिल्कुल लिटरली उनकी आवाज़ निकाली कि तुमने मेरे पीछे ये सब क्या कर रखा है घर में शांति करो घर में अंडे नहीं आने चाहिए घर में ये नहीं होना चाहिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए शांति होनी चाहिए मेरी आत्मा भटक रही है ये सब कर गए तो ये सब क्या था उसके सबकॉन्शियस का जो सप्रेशन था वो निकल रहा था चलो एक और इंटरेस्टिंग ग्यारह साल का बच्चा उस पर भूत आ गया भूत मैगी मांग रहा है हैं भूत को सेंस भी है मैगी की भूत मैगी मांग रहा है क्यों उसके मम्मी पापा उसको मैगी और चॉकलेट नहीं खाने देते थे

अगर वो अगर ये बीमारी ही है तो हमारे पास ना हमारी प्रमेटिव मेमोरीज भी होती है यानी कि पूर्व जन्मों की याददाश्त भी होती है हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए ईश्वर का कुछ ऐसा रचावा है कि हमें इस लाइफ की मेमोरी ही ठीक से याद रह जाए तो ही बढ़िया है लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम कॉन्शियसली रिकॉल नहीं कर पाते तो उसका डाटा नहीं होता आप जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो उस टाइम की भी मेमोरी आपके पास होती है और उससे पहले की लाइफ की भी आपकी मेमरीज आपके पास होती हैं तो जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल सप्रेशन होता है तो आप अपने मन के और नीचे तल में जाते हो आपके कॉन्शियस सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में सुपर कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे इसके ऐसे होते हैं अल्टीमेट माइंड स्टेट अलग अलग स्टेट्स होती हैं तो आप जब नीचे के तलों में जाते हो तो वो डाटा रिवील होने लगता है जो चीज़ खुलनी नहीं चाहिए वो सही नहीं है तो वो भी आने लगती है दूसरी बात है इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे होगी कि जो चीजें बताई जा रही हैं उसको कौन ऐसे मोहर लगाएगा स्टैंप लगाएगा कि ये चीज़ें सही हैं लेकिन जब भी कुछ नॉर्मल अनयूजल होता है तो लोग यूजुअली बिलीव कर लेते हैं कि ऐसा ये हो रहा होगा अब पिछले जन्म में जाकर किसने देखा होगा ना लेकिन क्या है अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो ठीक है ऐसा अच्छा ऐसा स्टोरी अगर दिमाग ने भी बनाई मान लीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसमें हर्जी क्या है हम इस केस में ऐसा भी होता है कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आप पे हावी हो रहा है तो आप बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा भी सकते हो आपकी ख़ुद की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और आप या फिर कभी कभार ऐसा भी हम लोग सुनाएंगे तो तुम्हारा खुद का वेट बहुत बढ़ जाता है जैसे हम केसेस सुनते हैं अगर जैसे हमारे पास लोग आते हैं बताते हैं कोई प्रोजेस हो गया था तो फिर उसका खुद का वेट सौ किलो का हो गया था एक बच्ची का लाइक दैट खुद का वेट भी बढ़ जाता है ऐसा भी होता है क्या देखिए जब भी आप सबकॉन्शियस जोन में होते हो तो आपके अंदर एक्स्ट्रा पावर उस टाइम पर आप फील करते हो जैसे हिप्नोटाइज करते हैं हम किसी को तो अगर किसी को हिप्नोटाइज़ करते हैं और हम उसको बोलेंगे आपका हाथ जो है ना वो बिल्कुल आयरन का हो गया है तो उस टाइम पर माइंड उस जोन में होता है क्योंकि माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता उसको लगातार जो भी कमांड्स ओवरलोड की जा रही हैं वो उस पर बिलीव करने लगता है और बॉडी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने लगती है तो ऐसे में एकदम से पावर फील करना एकदम से वो चीज़ें उठा लेना जो नॉर्मल बंदे की कैपेसिटी में नहीं है ये बहुत नॉर्मल होता है अगर वो पर्सन उस जोन में चला गया है आपने देखा होगा एक कमज़ोर सी माँ जा रही अपने बच्चे को लेकर कोई बदमाश आ गया उसके बच्चे पर अटैक करना चाह रहा है उस कमज़ोर सी औरत में उस वक्त एकदम से ताकत आ जाती है और वो लड़ भिड़ जाती है जबकि एक्चुअली उसकी पर्सनल हैसियत नहीं होती इतना कि एक घट्टे घट्टे आदमी से लड़ने को तैयार हो जाए वो लेकिन उस टाइम क्या होता है इमोशनल पावर आ जाती है उसके अंदर और वो एकदम से भिड़ जाती है तो ऐसे ही जब आपको बहुत ज़्यादा कमांड्स दी जाती हैं ओवरलोड किया जाता है तो उस टाइम पर आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स आ जाती हैं टेम्प्रेरी होती है वो और कई बार तो पर्सन को याद भी नहीं रहता उस जोन के बाद कि ये क्या है मतलब अच्छा मैंने ऐसा बोला था अच्छा मैंने ऐसी हरकत करी थी मेरे पास एक न्यूली मैरिड लड़की आई तो उसका हस्बैंड क्या था कि सुबह ही घर से आठ बजे चला जाता था और रात को ग्यारह बजे आता था और आकर भी उसके फ़ोन नहीं रुकते थे बिज़नेस के उनका काफ़ी बड़ा बिज़नेस था अब नई नहीं, नहीं उसकी शादी हुई तो उसको बहुत ज़्यादा फील हुआ कि मेरे को तो टाइम ही नहीं दे रहा है तो अब उसके दिमाग ने फिर से वो हिस्टीरिया के लक्षण डेवलप कर लिए वो बेहोश होने लगी और अजीब सी हरकतें करने लग गई उसमें कुछ कुछ अनाप शनाप बोलने लग गई आवाज़ बदल बदल कर डिमांड करने लग गई किस लिए क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए थी कि उसका हस्बैंड यहाँ पर रहे तो फिर जब मेरे सामने आई वो बैठी तो मैंने उससे बात करी तो क्योंकि मैं इतने सारे केसेस देख चुकी हूँ तो हम समझ जाते हैं मैंने बोला नई शादी हुई अटेंशन चाहिए ना हस्बैंड की तो एक बार को तो सक पकाई क्योंकि हामी भरते हुए भी तो आदमी को लगेगा ना कि मैं तो कैसे आदमी जान बुझ के कर रहा होता है जैसे कोई हिस्टीरिया का केस है या सपोज अपनी बात करूं मैं कि मैं बहुत सप्रेस फील कर रहा हूं बहुत ज़्यादा मेरी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है मेरी कोई ऐसी विश है जो पूरी नहीं हो रही तो मैं जानबूझ के वो ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट करता हूं या वो बाय चांस हो जाता है और मुझे भी नहीं पता कि मैं उस जोन में जा रहा हूँ ऐसा हो जाता है देखिए क्या होता है कि जानबूझ के तो कोई प्लानिंग करके नहीं करता लेकिन जब आपके बहुत ज़्यादा इमोशनल सप्रेशन हो जाता है वो सप्रेस्ड एनर्जी अगर आपके अंदर सप्रेशन हो रहा है मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने कुछ गलत खाया तो वो क्या होगा या तो मुझे डायरिया हो जाएगा या मुझे वॉमिट हो जाएगा तो कहीं से रिलीज हो गया तो ठीक है लेकिन अगर वो रिलीज़ नहीं हुआ किसी भी तरीके से तो वो पेट में घूमेगा और मुझे बड़ा डिस्कम्फर्ट करेगा और अंदर अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कम्फर्ट बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो बीमारी पैदा करेगी तो सेम है अगर आपका इमोशनल सप्रेशन लगातार हो रहा है किसी भी तरीके से एक्सप्रेशन नहीं हो रहा तो वो डिसऑर्डर पैदा करता है तो ये जो हिस्टीरिया वाले लोग होते हैं इनको अटेंशन बहुत चाहिए होता है इसीलिए आप देखिए कि एक कोई भी ऐसे पंडाल भरा हुआ है और किसी एक पर्सन पे किसी तरीके का ऐसा कुछ भी सुपर नेचुरल पावर से आ गई हैं क्योंकि उनको वैसे कोई नहीं पूछ रहा है लेकिन अभी उनके अंदर कुछ डिफरेंट पावर ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है उनका माइंड तो ये एक एक्चुअली बड़ा इमेच्योर है जो अपने आप ही माइंड लगाता उस है उस पर्सन को पता होता है कि मेरे साथ ये हो रहा है जैसे आपने उनसे क्रॉस क्वेश्चन करा कि तुम्हें अटेंशन चाहिए ना तो वो इतनी अवेयर है कि हाँ मुझे अटेंशन चाहिए इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ या मेरे साथ हो रहा है ऐसा अवेयरनेस होती है Uh, इस बात की अवेयरनेस होती है लेकिन मोस्टली लोग डिनयल में होते हैं सबका इतना अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं होता या एक्सेप्टेंस पावर नहीं होती है बट एक लेवल के बाद यस ऑफ कोर्स पर्सन को अवेयरनेस होती है जैसे मैंने उस लेडी का केस बताया तो उसको अवेयरनेस थी जैसे उस बच्ची का बताया जो मैगी का डिमांड कराता था उसका भूत तो जब मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी कि आप आज इसको खूब मैगी चॉकलेट खाने दो देखो उसका भूत शांत हो जाएगा तो उन्होंने मेरी बात मानकर उसको खूब मैगी चॉकलेट खाने दी उसका भूत शांत हो गया मैम ऐसे कि इसमें सिम्टम्स कैसे आते हैं जैसे आपने बोला उस केस में लेडी को टेंशन चाहिए था तो वो एकदम से ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं या फिर वो कुछ सिम्टम्स ग्रेजुअली बढ़ते हैं कैसे होता है uh, मोस्टली ऐसा होता है कि जब आसपास जनता होती है अच्छा। संभालने वाला होता है कोई तब ज़्यादा आते हैं अकेले में नहीं आते सिम्टम्स ये तो जैसे वो लेडी थी न्यूली मैरिड उसको भी ये था कि जब उसका एक आध बार ऐसा हुआ उसका हस्बैंड रुकने लगा और जब भी वो देखती वो फ़ोन पर बिजी है बस तभी कुछ टाइम बाद उसको प्रॉब्लम होने लगती है तो मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर जब भी कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है जहाँ पर कोई है अटेंशन देने वाला संभालने वाला तब माइंड उस जोन में ऑटोमेटिकली चला जाता है मैम आपने कोई री इनकारनेशन की केसेस स्टडी करें जैसे छोटे बच्चों को कैसे याद रहता है कि भाई मेरा घर यहाँ पे था गांव में यहाँ पे मॉम डैड का ये नाम है पिछले जन्म का बेसिकली तो इतना कैसे ये ये रियल है मतलब ये कैसे पॉसिबल है Uh, देखिए क्या है कि जैसे हम लोग तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करते हैं तो एंगजाइटी डिप्रेशन ओ वाले हैं जैसे उनके जो भी इशूज़ हैं कुछ तो आप मुझे बताएँगे कि uh, ये मेरी लाइफ का इशू है कुछ नहीं बताएंगे आपको खुद नहीं पता तो हम उसे फाइंड आउट करने के लिए ऐसे हिप्नोसिस में जाते हैं तो वहाँ पर मेरे एक्सपीरियंसिस ऐसे रहे हैं कि जो चीज़ आपको कॉन्शियसली याद नहीं है वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है और बहुत सारी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस लेवल पर पड़ी हुई हैं जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो सबकॉन्शियस में फिर भी आप कुछ कुछ अवेयर हो ये हो सकता है नहीं हो सकता बट अनकॉन्शियस में भी है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो तो जब हम थेरेपी प्रोसेस करते हैं एज रिग्रेशन यानी कि आप ही की लाइफ में आपको पिछले सालों में ले जाते हैं या ज़रूरत पड़ती है तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं हम तो यानी कि आपने बहुत सारी लाइफ जीवी हैं इस बात पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर आप इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड सरेंडर ही नहीं करेगा और आपको उस जोन में जाने ही नहीं देगा तो आपको कभी नहीं एक्सपीरियंस होगा इस बात का तो थेरेपी के प्रोसेस से तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिन लोगों की मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करी है एज रिग्रेशन क्योंकि 99% तो केसेस एज रिग्रेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं ओनली 1% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पास्ट लाइफ में ले जाना होता है तो वहाँ पर जो क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसिस होते हैं तो उससे उनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं जैसे कि एक लेडी थी उनका पंद्रह साल का बेटा एक्सपायर हो गया एक ही बेटा था उनका अब वो बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में चले गई तो मेरे पास डिप्रेशन की शिकायत के लिए आई थी और उनको चार पाँच साल से डिप्रेशन था दवाइयाँ भी चल रही थी लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी अब सब पूछ लिया उनसे कि भाई क्या हुआ कैसे नॉर्मल डेथ थी कोई बच्चे का ऐसा भी नहीं सुसाइड का केस था या कोई एक्सीडेंट का केस था नॉर्मल थी रात को ठीक सोया अगले दिन उठा नहीं तो अब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी इस चीज़ को और उनके मन में ये था कि मेरे को ना कुछ भी ऐसा करके ऐसा बताओ आप जिससे कि मुझे सब्र आ जाए क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए वरना मेरा दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कोई पाप कर्म सामने आए हैं ऐसा करके उनका एक विश्वास था तो वहाँ पर फिर हमने बोला कि भाई देखो एक ही तरीका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर सकते हैं हो सकता है आपको आंसर मिल जाए और आपका मन उसे एक्सेप्ट कर ले तो जब उनकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मैंने करी तो तब पता चला कि पिछले किसी एक लाइफ में क्योंकि जब हम कमांड देते हैं हम ऐसी कमांड देते हैं आज का जो करंट इशू है आपकी जिस भी लाइफ से कनेक्ट हो आपको उस लाइफ से कनेक्टिविटी फील होगी तो उनको ऐसा उसमें दिखा रियलाइज़ हुआ उनको कि एक टाइम पर उनका किसी मैरिड आदमी से अफेयर था और उसकी वाइफ ने सुसाइड किया था और मरने से पहले वो उनको बदुआ देकर ऐसे मरी थी कि मैं तुम्हारे पेट पढ़कर बदले लूँगी ठीक है तो इस तरीके का वो उनको अब अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे हम लोग पास लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि लोगों के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं उसके बाद उन लेडी को सबर आ गया और जो एक्सेप्टेंस पाँच छः सालों में नहीं आ रही थी वो वो एक्सेप्टेंस आ गई वो शांत होती चली गई धीरे धीरे और तीन चार महीने में उनका डिप्रेशन भी सेटल होना स्टार्ट हो गया आप ये कहानी दिमाग ने बनाई हो या वास्तव में ऐसा हुआ हो तो मैं तो पिछले जन्म में जाकर किसी के कुछ देख के नहीं आ सकती hmm. ठीक है तो हम ये मानते हैं कि अगर किसी स्टोरी जो आपके दिमाग ने भी बनाई है अगर उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन कोई शौकिया तौर पर आता है कि मैडम मेरी पास्ट लाइफ दिखा दो hmm. तो हम कहते हैं सॉरी आपका दिमाग अगर कोई उल्टी सीधी कहानी भी बना देगा और कुछ आप ऐसा देख लोगे आपका दिमाग ने कुछ बना दिया या आपने चलो मैं कह रहा हूँ कुछ हो भी देख भी लिया रियल में और आपकी प्रॉब्लम जो नई भी थी और आपको लगने लगी तो आप बेकार फंस जाओगे तो इसलिए शौकीय तौर पे मत कराओ जब सारी तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, तो एक बार इस थेरेपी को एक्सपीरियंस करो हो सकता है आपको सब्र आ जाए तो इसलिए हम करते हैं और जो आपने सवाल पूछा था कि लोगों को कैसे याद रहता है और ये सब चीजें छोटे छोटे बच्चों को याद रहता है कि मेरा घर यहाँ पे था तो वहाँ पे बे, बे, बेसिकली न्यूज चैनल में लिखा गया है कि भाई वो जाते हैं वहाँ पे और सेम नेम के वो पता चलता है कि इसने मारा था वो होता है कि हाँ मेरा इस नाम का हस्बैंड था हजबेंड था सॉरी देखो क्या है कि इस बारे में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है कि क्या है लेकिन इसमें जो जितना मेरा एक्सपीरियंस या नॉलेज कहती है उसका ये जवाब हो सकता है क्योंकि हमारे पास सारी पुरानी याददाश्त भी होती है हमारे मन के निचले स्तर पर तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है जैसे अगर आप देखें कि जब गीता जो है ना कुरुक्षेत्र में हो रही थी तो संजय को वहाँ से इतनी दूर से सब कुछ दिखाई दे रहा था अभी नॉर्मली अगर हम में से किसी के साथ ऐसा हो जाए तो हम जी नहीं पाएंगे तो ये हम सबके दिमाग के पास पावर है लेकिन एक्सीडेंटली कई बार दिमाग का एक ऐसा रीजन एक्टिव हो जाता है जहाँ से पुरानी चीज़ें रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं या कुछ वॉइस आने लग जाती हैं या कुछ ऐसा चीज़ दिखने लग जाती हैं बट वो आपकी लाइफ में स्ट्रगल ऐड कर देते हैं तो जैसा कुदरत का नियम है उस हिसाब से ज़िंदगी चले तो हम लोग एंगजाइटी डिप्रेशन उसी टाइप की और तरह तरह के डिसऑर्डर से बचे रहेंगे अदरवाइज आज की कैटेगरी में ये सब चीज़ें धीरे धीरे डिसऑर्डर में तब्दील होने लग जाती है मैम थोड़ी सी इसी की बात करते हैं जैसे डिप्रेशन आजकल बहुत एक कॉमन टर्म हो चुका है ओ बहुत कॉमन टर्म हो चुका है पर मैं चाहूँगा आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ये टर्म्स वन वन लाइन और फिर हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं थोड़ी सी ओ किसे कहते हैं ओ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओ में दो चीज़ें होती हैं एक होता है ऑब्सेशन ऑब्सेशन माइंड में यानी कि कोई भी एक चीज़ बार बार रिपीटेडली आ रही है कोई इमेज भी आ सकती है कोई थॉट भी आ सकता है कोई अर्ज आपको बार बार आ रही है किसी भी तरीके से कुछ भी जो बार बार रिपीटेडली लूप पर आपके दिमाग में चल रहा है उसको कहते हैं ऑब्सेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आ, अलग अलग होता है जैसे कि बहुत कॉमन जो सब लोग फैमिलियर होते हैं जैसे किसी ने दरवाज़ा लॉक करके बाहर गए तो उनको दिमाग में आ रहा है कि दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं, नहीं हुआ है नहीं और ये विचार इतनी एंग्जाइटी दे रहा है कि जब तक वो पर्सन जाकर फिजिकली डोर को चेक नहीं कर कर आएगा उसका माइंड सेटल नहीं हो रहा है ये किसी को गंदगी से होता है कि साफ सफाई वाली है किसी को भगवान के प्रति गंदे थाट्स आ रहे हैं कि जैसे कोई भगवान की मूर्तियाँ तोड़ रहा है कोई मान लीजिए शिवलिंग पे टॉयलेट कर रहा है इस तरीके के भी बहुत अजीब से विचार भी आ जाते हैं जो बड़े बहुत बहुत सारे केसेस आते हैं जो बहुत तकलीफ़ में होते हैं लोग वो किसी को अपनी ही बहन के लिए मदर के लिए सेक्शुअल थाट आ रहे हैं अब उसको बहुत पीड़ा हो रही होती है क्योंकि वो पर्सन कोई भी नहीं ऐसा ओसी डी ये है। भी ओ सी डी है ना किसी को ऐसा है कि आई फिक्सेशन हो रहा है जैसे कोई फीमेल या मेल के उस सामने भी बैठा है तो उसके

आया मेरे कैबिन में आकर बैठा और बैठते ही क्योंकि उसको वो ओसी डी था अब मुझे फिगर आउट करने में दो चार पाँच मिनट तो लगेंगे ना आते ही अब वो मेरी तरफ ऐसे एकदम से उसकी आई फिक्स हो गई और बहुत ही एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाते हो आप क्योंकि एकदम तो आप एज्यूम नहीं कर सकते ना कि इसको आई फिक्सेशन सेशन ओसी डी है तो मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी तो बोलने का सॉरी मैम सॉरी प्लीज़ मुझे गलत मत समझना मेरी यही प्रॉब्लम है कि मैं किसी के सामने जाता हूँ तो कभी भी मेरी ऐसी आईज़ फिक्स हो जाती है तो सॉरी आपको मेरी तरफ से अनकंफर्टेबल फील हुआ बट ऐसा कुछ भी नहीं था okay. तो जब पता चला उसको यही प्रॉब्लम थी तो बहुत वियर्ड भी ओ होती है जैसे एक लड़का था उसको ये ओ सी डी थी कि उसको अननेसरी एक वहम हो गया कि जब तक वो अपने जेनिटल को आठ दस बार झटका नहीं देगा तो उसका पूरा यूरिन बाहर नहीं आएगा और वो नहीं तो किसी बीमारी में मतलब पड़ जाएगा उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी okay. तो अब उसको बड़ा स्ट्रगल देखिए मतलब बाथरूम में जाना और यूरिनेशन के लिए चार पांच बार तो जाना ही पड़ता है और हर बार उसको यूरिन करने के बाद कंप्लीट रिलीज़ के लिए इस तरीके से अपने जेनेटल को हाथ में लेकर झटका देना पड़ रहा है तो वो बहुत परेशान बड़ा शर्मिंदा बेचारा मतलब बताने में भी उसको इतना ज़्यादा घबराहट और ऐसा लग रहा था कि कैसे बताऊँ मैं मैडम को लेकिन वो परेशानी इतना ज़्यादा है तो किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ जो बार बार आपके दिमाग में आ रही है वो है तो मैम ये जो ऑब्सेशन होता है जो अगर किसी को ओसीडी है तो वो उसको लीड कर देता है डिप्रेशन की तरफ ऐसा होता है ओसीडी वालों को डिप्रेशन और एंगजाइटी तो रहती ही है क्योंकि वो लोग अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो जाते हैं जैसे एक्सट्रीम केसेज हैं मान लीजिए कोई दस घंटे बाथरूम में अटक गया है किसी को इस तरीके की उसी उसका सोशल इंट्रेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया उसे पता ही नहीं कि कब मेरी आइज फिक्स हो जाएंगी और कौन मुझे गलत समझ लेगा वो बेचारा दूसरा जो मैंने बताया वो वॉशरूम जाने से ही डर रहा है तो उसे किसी भी तरीके की हो सकती है जैसे एक लेडी है उसके दिमाग में यही थाट आता है कि अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूँगी बस का आज एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरा बच्चा लौट कर नहीं आएगा मैं इसकी शक्ल नहीं देख पाऊंगी बहुत अजीब अनरिलेटेड भी हो सकती है जैसे एक लेडी को हो गई कि आ, अगर वो बिस्किट्स वगैरह के रैपर भी फेंकेगी अरे इस रैपर को तो मैं जिंदगी में कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी कितनी यूजलेस सी चीज है बिस्किट का रैपर तो खाकर सभी फेंकते हैं ना ये ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग से बहुत एक्सट्रीम लेवल है ओवर थिंकिंग बेसिकली क्या होती है कि ना आपके लाइफ में कोई करंट इशू चल रहा है मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है कोई शादी करनी है कुछ भी है तो आप उसके लिए भी कुछ ओवर थिंक करते हो उस टाइम पर ना क्यों क्योंकि आप चाहते हो कि सब कुछ सही चले कई बार ऐसा होता है कि आपको डर लग रहा होता है किसी चीज के लिए आप ओवर थिंक करते हो OCD की इनिशियल स्टेज है हाँ, ये कह सकते हैं कि जब किसी को एंग्जाइटी होती है ओवर थिंकिंग में जाता है तो धीरे धीरे उसको ऑब्सेशन डेवलप होने लगता है ओवर थिंकिंग वैसे तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल चीज है एक तरीके से नॉर्मल तो नहीं है क्योंकि आजकल लोग इतना सोचते हैं हर चीज को लेके बट वो ये सल्यूशन के लिए भी सोचते हैं कभी कभार कि मैं ना फँसूँ इस चीज़ में तो उसके देखिए आप अगर इमोशनल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ये डेंजरस है क्योंकि इमोशंस आप बस में आपको उलझा देते हैं वो किसी सोल्यूशन पर नहीं पहुंचने देते हैं लेकिन अगर ये लॉजिकल ओवर थिंकिंग है तो वो सब करते ही हैं और करनी भी चाहिए ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी भी आप एक एस्पेक्ट पे मल्टी एंगल से सोच रहे हैं आप उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? उस सब को एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसा हुआ तो वैसा तो आप पास्ट के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं या आप फ्यूचर के किसी डिसीजन को लेना इसलिए ओवर थिंक करें तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप ओवर थिंकिंग क्यों करें अगर आप पर्पसफुल ओवर थिंकिंग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगी लेकिन अगर आप पर्पसलेस बस अनसर्टेनिटी को फिक्स करने के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ये नेवर एंडिंग लूप है तो ओ वाले ऐसा नहीं है कि वो ओवर थिंकिंग ऐसे करते रहते हैं उनका तो सुई एक दो चीज़ों पर अटक जाती है तो उसमें क्या होता है उनको इतनी अनकंट्रोलेबल अर जाती है और इतनी एंग्जाइटी होती है और फियर इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि उनको ऐसा लगता है जब तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया या तो माइंड में या फिज़िकली एक्शन नहीं लिया तो बस ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होगी और ये जो मुझे लग रहा है ये हो ही जाएगा अब हमारा जो फियर सेंटर है अमेक वो ओवर स्ट्यूमुलेट हो गया है और वो बॉडी को लगातार सिग्नल भेज रहा है तो बॉडी क्या है उस टाइम पर ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है किसी की दिल की धड़कन बढ़ जाएगी किसी को ब्रेथलेस फील होने लगेगा किसी के हाथ पर कांपने लगेंगे किसी को ठंडे पसीने आने लग जाएंगे है ना किसी को बिल्कुल रोने का मन करेगा किसी को पैनिक अटैक ही आ जाएगा पूरी तरीके से तो वो इतना अनकंट्रोलेबल है कि उसको ऐसा लगता है कि करोड़ छुट्टी पाओ अब जैसे एक लड़का है वो अपने घर से निकलता है तो उसका दिमाग उसको बोलता है कि तू हर एक जो भी होर्डिंग देख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले ले इस पर क्या लिखा है अगर तूने ढंग से ध्यान नहीं दिया और बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो क्या होगा कोई पूछेगा तो तू कैसे बताएगा आपके पास रियल केस है तो उसमें क्या है कि बहुत तरीके की है? मैं जैसे जैसे आपने बोला क्लिनलीस भी एक है, या फिर डोर लॉक करके उसको चेक करना ये भी एक ओसीडी है तो आ, ऐसी कौन सी बेसिक एक्सरसाइज या थेरेपीज आप बता सकते हो ऑडियंस को भी जो इस ओसीडी से बंदा निकल सके या फिर अपने को नॉर्मल कर सके क्योंकि आमतौर पर हर जगह हर कोई करता ही है थोड़ा थोड़ा तो हर किसी में होता ही है क्लिनीनेस को लेकर या फिर ये डोर वाली चीज़ करना तो अगर कोई इससे डील कर रहा है तो कैसे बाहर निकले देखिए क्लिनिनेस तो हम सबको ही पसंद है है ना लेकिन अगर कोई भी चीज़ आप ओवर करने लग जाते हो और उससे आपकी कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जुड़ जाती है एंग्जाइटी जुड़ जाती है कि अगर ये नहीं हुआ तो मुझे दिक्कत हो रही है जैसे अब यहाँ पर हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपने अच्छे से मेंटेन कर रखा है साफ सफाई है यहाँ पर तो ये तो एक बेसिक हाइजीन मैनर्स है ना कि हम लोग साफ़ सफाई रखेंगे लेकिन अब ओ वाले को क्या होगा कि यहाँ पर किसी ने छुआ होगा इनका स्टाफ आया होगा उसने यहाँ पर कपड़ा लगाया होगा फिर उसने उसके बाद हाथ नहीं धोए होंगे यहाँ पर भी छू दिया होगा अब ये भी गंदा है 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 मुझे अनकम्फर्टेबल हो रहा है यहाँ बैठने में मुझे लग रहा है पहले मेरी निगरानी में सब चीज़ें साफ हो मेरे अकॉर्डिंग सब चीज़ें सेट हो है ना तो कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कुछ लोगों को बहुत हाई सिमेट्री होती है जैसे यहाँ चार मग भी रखे हैं तो एक सिमेट्री में होना चाहिए सारे ऐसे भी होती है लोगों को ठीक है तो अलग अलग तरीके की होती है बहुत लोगों को बिल्कुल परफेक्शन से हर चीज़ करने की ओसीडी होती है कि एक्सट्रीमली परफेक्शनिस्ट होते हैं वो तो अलग अलग तरीके की हो सकती है इसमें मेन बात यह है कि जो ओ वाला बिहेवियर करता है वो हम सभी कभी ना कभी थोड़ा बहुत बिहेवियर करते हैं लेकिन हम लोग रेंज में करते हैं और वो आउट ऑफ रेंज होता क्यों है क्योंकि उनका लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट आया बहुत स्ट्रेस रहा उनको उनकी लाइफस्टाइल स्टाइल पुअर हो गया मान लीजिए उनका डाइट सही नहीं था उनके अंदर की बॉडी की केमिस्ट्री बिगड़ गई बहुत ज़्यादा सोचने की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बहुत ज़्यादा इमोशनल है कुछ भी ऐसा हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ केमिस्ट्री बिगड़ी जिसकी वजह से ऑब्सेशन आया तो जैसे आप पूछ रहे थे कि अपने आप भी कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं एक टेक्निक होती है आई ए एम टेक्निक हम बोलते हैं हमेशा अपनी फिंगर पर लिख कर रखो आई ए एम सो आई एम का क्या मतलब होता है आई मीन्स आइडेंटिफाई दैट्स ओ सी डी क्योंकि ओ सी डी झूठे विचारों की बीमारी है ओ सी डी आपके अंदर का फियर सेंटर है जो ओवर स्टिमुलेट हो गया है और आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा है और आपको डरा रहा है जैसे उस लेडी को थॉट आ रहा था कि मेरा बच्चे को मैं बस में भेजूंगी और मेरा बच्चा लौट कर नहीं आएगा हुँ. तो अब इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है भाई स्कूल बस है और आपका बच्चा थोड़ा ना अकेला इतने सारे बच्चे हैं उसमें और इतने दिनों से थॉट आ रहा है महीनों से थॉट आ रहा है आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ hmm. तो यानी कि समझ जाओ कि ये जस्ट आपका फियरफुल थाट है तो आइडेंटिफाई कर लो ये ओ है ए मीन्स अलाउ द थाट फीलिंग्स जो भी आ रहा है उसे आने दो क्योंकि जितना आप उसे एड्रेस करोगे उस पर एक्शन लेते रहोगे आप उसे न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करोगे तो वो क्या क्या होगा उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि फीलिंग के लेवल पर क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ को अगर आप बार बार एड्रेस करते हो तो वो हर बार अपनी इंटेंसिटी बढ़ा देती है तो ओ क्यों स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि लोग उससे डर एक्शन लेते रहते हैं हम कहते हैं इसको अलाउ करो जो एंग्जाइटी हो रही है उसको बियर करो और फिर आप एम माइंडफुली कनेक्ट हो एनवायरमेंट से रियलिटी से और इस तरह से आपका ओ वीक होगा तो ये आई एम टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लोगों को मतलब मोस्टली मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा इससे एकदम इजी फील करने लगते हैं क्योंकि अगर आपने फिंगर पे लिख भी रखा है आई ए एम सो किसी को पता भी नहीं चलता और आपके लिए एक रिमाइंडर रहता है कि ये मेरा ओसीडी मुझे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपके जो बॉडी के सिम्टम्स होते हैं क्योंकि एंगजाइटी या कोई भी फीलिंग आपको कहाँ फील हो रही होती है बॉडी में तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन आप करते हैं तो आप अपनी बॉडी को रिलैक्स रहने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं सो so इसीलिए हमारी ऐप भी है डॉक्टर कृषिकाजन ऐप जिसमें कि ओ सी डी की एंगजाइटी की डिप्रेशन की अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं सो so लोग उसको फ्री में आराम से घर बैठे करते हैं और उससे वो अपनी बॉडी को रीट्रेन करते हैं जस्ट रिलैक्स फिर हम उनको बोलते हैं कॉन्शियसली वो थॉट लेकर आओ एंड रिलैक्सेशन को प्रैक्टिस करो ताकि उस थॉट के साथ आपकी रिकंडीशनिंग हो जाए कि अगर वो थॉट है भी इवन देन आप रिलैक्स फील कर रहे हो क्योंकि नाउ यू आर अवेयर क्योंकि आप थॉट को नहीं रोक सकते एकदम से कि ये थॉट आए ही ना क्योंकि जितना आप ये कहोगे थॉट आए ना आए ना तो उतना ज़्यादा वो थॉट और आएगा hmm. आप ये कि आ रहा है आने तो थॉट इज जस्ट अ थॉट आप उसे कैटेगराइज मत करो कि ये थॉट गंदा थॉट है अच्छा थॉट है आप उसे कैटेगराइज करें बिना थॉट को थॉट मानो और उसके साथ रिलैक्स रहना सीखो तो उसमें क्या होता है कि फिर लोगों के दिमाग में थॉट आता है वो एक्शन नहीं लेते डरते नहीं हैं तो थॉट अपने आप ही खत्म होने शुरू हो जाता है क्योंकि जिस भी चीज़ पर आप एक्शन लेना बंद करते हो तो आपका माइंड उसे फेड करना स्टार्ट कर देता है अब देखिए आप लोगों ने सपोज टेंथ क्लास में ट्वेल्थ क्लास में मैथ्स पढ़ी होगी अब आप मैथ्स का कुछ नहीं कर रहे आपको दे दिया जाए कोई सम सॉल्व करने के लिए आपसे होगा नहीं ठीक है आपसे क्या मुझसे भी नहीं होगा क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उसकी लेकिन आप मुझे साइकोलॉजी का कोई केस देते हैं तो मैं सॉल्व कर दूंगी क्योंकि हर केस मेरे लिए एक चैलेंज है क्योंकि नया आ रहा है कुछ अगर सौ लोगों को ओसीडी है तो सौ की ओसीडी अलग है अगर सौ लोग डिप्रेशन के आ रहे हैं तो सबका डिप्रेशन के कॉजेज अलग है तो मेरे लिए हर केस एक फ्रेश है लेकिन ये मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि प्रैक्टिस करते करते मेरा माइंड एक्सपर्ट हो गया तो जिस भी चीज पे आप प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं वो चीज दिमाग फिट करना स्टार्ट कर देता है तो आप एक्शन ले रहे हैं इसलिए ओ आपका बढ़ता जा रहा है अब ओ सी जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम टेक्निक है बहुत क्विक टेक्निक है आराम से या उसका रिलैक्सेशन के साथ ट्यूनिंग कर देना रेगुलर बेसिस पर आप एक्सरसाइज़ करते हो थॉट पर एक्शन लेना बंद कर दो आपका ओ सी रिड्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे ओ की बहुत सारी ऐसे और भी डिटेल थेरेपीज़ होती हैं जैसे सी वी टी होती है कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी जो आपके जो फॉल्टी थॉट पैटर्न्स होते हैं हो, उसको पकड़ते हैं जैसे फॉल्टी थॉट पैटर्न क्या एग्जांपल देकर बताती हूँ मैं मैजिकल थिंकिंग कि अगर मैंने दो घंटे तक पूजा नहीं की सो मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा अब आपके दो घंटे पूजा करने से आपके परिवार की सलामती का क्या ही कनेक्शन है ना आपने एक बार हाथ जोड़ो या आप दो घंटे तक या दो दिन तक बैठे रहो जिसको जो होना होगा वो तो होगा ही लेकिन ये एक मैजिकल थिंकिंग है तो ये आप मैजिकल थिंकिंग हम पकड़ना सिखाते हैं कि देखिए ये सुपरस्टिशन मैजिकल थिंकिंग है और अगर आप इस मैजिकल थिंकिंग को अलाउ करते हो और उस पर एक्शन लेते हो तो मैजिकल थिंकिंग जो कि एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है ये स्ट्रांग हो जाएगा आपके दिमाग में इसी तरीके से आप एज्यूम हो माइंड रीडिंग कर रहे हो कि जैसे लोगों को एक ओ होती है उनको ना सोशल एंगजाइटी सोशल सैनानियों में जैसे हम लोग अभी इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर अब कोई भी अगर मेरी तरफ देख रहा है और मैं ये क्लेम करने की कोशिश करूँ कि मुझे पता है कि आपका मेरी तरफ़ देखने का क्या इंटेंशन है और मैं कॉन्शियस हो रही हूँ अननेससरी और बार बार मेरे दिमाग में एक थाट आ रहा है कि ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है मेरे बारे में गलत सोच रहा है मेरा मजाक उड़ा रहा है इसलिए मेरी तरफ देख रहा है तो अब ये क्या है ये माइंड रीडिंग है क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ तो ये भी एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है पर्सनलाइजेशन कि एक पर्सन ने अपने ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ हर एक लाइफ इशू फिक्स करने के लिए कि बस मेरी ये इच्छा है कि सब लोग घर में खुश रहें मेरी वजह से किसी को भी बिल्कुल भी दुख ना पहुँचे अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ अपने आप को ओवरबर्डन कर रही हूँ मैं अपने बच्चे के लिए भी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाली हूँ अपने हस्बैंड के लिए भी सब चीज़ें परफेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं हर चीज़ इसमें मेरी एंग्जाइटी बढ़ी और मेरे कंट्रोल से चीज़ें बाहर निकली अब मेरे दिमाग में सोते जागते यही चल रहा है कि मैं अच्छे से अपना वो नहीं कर रही करूँ मैं कैसी औरत हूँ मैं तो अपने घर वालों को ध्यान ही नहीं रख रही हूँ मैं तो बहुत बुरी औरत हूँ मेरी वजह से मेरे घर वालों को कुछ हो जाएगा तो ये सब क्या है पर्सनलाइजेशन आपने अननेसरी अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है hmm. तो ओ में कोई भी फॉल्टी पैटर्न हो सकता है बहुत सारे डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न होते हैं तो जो भी आप घुमाओगे दिमाग में वो परमानेंट हो जाएगा तो यही प्रॉब्लम है ओ की और ओ कैसे भी हो सकता है बैठे बैठे मैम अब बात करते हैं थोड़ी डिप्रेशन की बहुत कॉमन वर्ड है बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है कि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ मेरे को लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका हूँ और कुछ भी रीज़न से लोग डिप्रेस हो रहे हैं तो मैं थोड़े सिम्टम्स समझना चाह रहा हूँ कि अगर और कई लोग डिनाइल में भी होते हैं सोशल प्रेशर की वजह से कि लोग क्योंकि आजकल कुछ भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को लोग सीधा पागल बोल देते हैं कि तो पागल हो गया है तो इस डर से लोग बताते भी नहीं खुल के एक्सप्रेस भी नहीं करते स्पेशली बॉयज़ अपनी फीलिंग्स बहुत सप्रेस करते हैं किसी को कहने से भी डरते हैं या हंसी मजाक में टाल देते हैं तो मैं थोड़े सिम्टम्स समझना चाह रहा हूँ कि जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं अगर वो ये चीज़ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो एड्रेस कर पाए कि हाँ यार समथिंग इज़ नॉट फाइन तो कैसे आइडेंटिफाई करे देखिए आज ना एक तो जनरली लोगों ने ना अपने आप को ऐसे चिपका लिया कि मुझे डिप्रेशन है सबको डिप्रेशन नहीं होता थोड़ा बहुत सैडनेस भी होती है तो लोगों को लगने लगता है कि वो डिप्रेशन में है जो एक्चुअल में डिप्रेशन होता है उसके जो सिम्टम्स आते हैं कि पर्सन का इंटरेस्ट उसकी डेली एक्टिविटीज़ में से भी जाने लगता है इवन वो अपनी हाइजीन भी मेंटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं होता जो भी वर्क कर रहा होता है वो सब अफेक्ट करने लगता है वो अपने अपॉइंटमेंट्स मिस करने लगेगा है ना जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भागना शुरू कर देगा क्योंकि उसके अंदर मन नहीं कर रहा होता उसकी भूख या तो बहुत कम हो जाएगी या बहुत एबनॉर्मली बढ़ जाएगी उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगी या उसकी नींद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं और इंसान चुप चुप रहता है आइसोलेटेड रहता है ज़्यादातर उसके अंदर एक होपलेसनेस हेल्पलेसनेस वर्थलेसनेस चलती रहती है उसको एक्चुअली फ्यूचर डार्क में दिखने लगता है उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरा फ्यूचर कुछ है नहीं और इसी वजह से वो डिप्रेस है और धीरे 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 उसका ब्रेन स्लो हो जाता है और उसके दिमाग में कुछ ही थाट्स ऐसे होते हैं जिसका लूप चल रहा होता है और मतलब बहुत ही ज़्यादा रोना एक्सेसिव क्राइंग भी ऐसे बहुत सारे लोगों में देखी गई है डिप्रेशन की भी बहुत अलग अलग फॉर्म्स होती हैं बट यूजुअली ये सिम्टम्स तो कॉमन ही होते हैं कुछ लोग डिप्रेशन में जैसे बाइपोलर में भी जाते हैं तो उनका एक फेज बहुत हाई वाला भी आता है जिसमें extreme, का ही एक पार्ट है डिप्रेशन का ही एक फॉर्म है ऐसे डिप्रेशन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं ना तो उसमें से एक है बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें कि पर्सन दो एक्सट्रीम में जाता है वो डिप्रेस है और कई बार वो मेनिया में चला जाता है बिल्कुल हाई में चला जाता है उसमें बहुत गुस्सा आ जाना उसके अंदर की पावर्स बढ़ जाना बड़ी बड़ी बातें करना उसको दो तीन घंटा सोकर भी उसको ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जेटिक है उस टाइम पर ऐसी ऐसी बातें करेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कुछ देर तो आप कन्फ्यूज जाओगे क्या सेल्फ मोटिवेटेड बंदा है hmm. बट वो उसका मेनिया का फेस चल रहा होता है ऐसे में बड़े ख़तरनाक जो एंगर वाले एपिसोड है वो भी आते हैं जैसे एक मेरे क्लाइंट थे उनका क्या था कि जब वो मीनिया वाले फेज में जाते थे तो अपने घर का टी वी 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 उखाड़ कर भी ऐसे फोड़ देते थे दीवार पर लगा हुआ टी वी अच्छे से उतारा और कोई बात हो गई वाइफ से और उसे नीचे पटक के मार दिया गया ऐसे और बहुत, बहुत ज़्यादा मारने को भी चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे है सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं दूसरों को हार्म भी करते हैं तो मीनिया वाला एपिसोड थोड़ा खतरनाक हो जाता है और जब डिप्रेशन वाले में जाते हैं तो डिप्रेस कई बार इतने भी हो जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं सारे तो कभी नहीं करेंगे लेकिन हाँ ऐसा जब जिसको एक्सट्रीम में ऐसा चला गया तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं क्योंकि जब इंसान एक्सट्रीम डिप्रेशन में होता है बिल्कुल होपलेस वर्थलेस फील करने लग जाता है उसे हेल्पलेसनेस फील होती है तब वो आगे नेक्स्ट सुसाइड तक भी सोचने लग जाता है मैम जिस ऑडियंस को आप कैटर करते हो एक बिल्कुल अलीट ऑडियंस है सेलिब्रिटीज वग़ैरह भी इंक्लूडेड हैं उसमें तो उनका क्या जैसे हम लोग ऐसे लुकअप टू करते हैं कि भाई इनका लाइफ इनका काम तो उस उस पर देखें तो उनका माइंडसेट कैसा है पर्सनली की कैसी कंप्लेंस आती हैं उनके या फिर कै, कैसी स्टेट से गुजर रहे हैं वो देखिए हम सबकी लाइफ में भी बहुत सारा प्रेशर है और जो कोई एक लेवल पर पहुंच जाता है और जैसे अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ पर आपको पता है हर समय एक कॉम्पिटिशन चल रहा है और हर इंसान जो आपस में फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं वो एक्चुअल में फ्रेंड्स नहीं है तो हर समय बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है तो उससे रिलेटेड जेलेसी अंदर होना और हर समय एक फियर ऑफ मिसिंग आउट उन लोगों में बना रहता है तो अब इतना शूट्स हैं इतना हर समय एक जोन में रहना है है ना कि मतलब अपने ओरिजिनल सेल्फ में रहने का कम टाइम मिल रहा है और हर समय आप किसी ना किसी कैरेक्टर में हैं अगर आप विदाउट शूट भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप एक रोल ही प्ले कर रहे हैं उस टाइम पर भी और आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोज में भी देखा होगा ना कि नॉर्मली अगर किसी को विदाउट मेकअप देख लो तो वो आ, मतलब कैमरा ऐसे हाइड करने लग जाते हैं अपने आपको दिखाना भी पसंद नहीं करते ना। है ना आपने देखा होगा ना इस तरीके से तो हर समय उन लोग की लाइफ में एक ऐसा फेस चल रहा होता है जिसमें वो जो है उससे कुछ अलग ही दिख रहे होते हैं अलग ही सोच रहे होते हैं अलग ही बिहेव कर रहे होते हैं तो सबके अलग अलग इश्यूज़ होते हैं चाहे वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हो या बड़े बिजनेस टाइकून्स हो एक चीज़ कॉमन है सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेना ओवर एक्सपेक्ट करना और एक्सेप्टेंस कम क्योंकि हर एक का एक फेज़ आएगा जिसमें वो ग्रो करेगा पीक पर जाएगा और डाउन भी आएगा ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा पीक पर टिका रहेगा हाँ एक फेज़ आता है आपका ना कुछ पाँच साल का दस साल का जिसमें आप पीक को मेंटेन कर सकते हो लेकिन एक लेवल के बाद तो न्यू कमर्स भी आएंगे ना एक लेवल के बाद तो ऐसा होगा ना कि आपकी बॉडी और सारे चेंजेस भी आएंगे आपके अंदर उसके प्रति एक्सेप्टेंस जिनकी हो जाती है सो वो लोग खुश रहते हैं लेकिन जिनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है जिनकी एक्सपेक्टेशंस अभी भी इतना होती हैं कि मेरे को उतना ही फुटेज मिले उतना ही काम मिले उतना ही मेन लीड मिले तो वहाँ पर बहुत सारे उनके इश्यूज़ आते हैं एक कॉम्पिटिशन आ रहा है है ना अभी जैसे ओ टी टी प्लेटफॉर्म आ गया इतनी वेब सीरीज़ बनने लगे हैं तो ये भी एक थ्रेट है तो इसी तरीके से बिजनेस टाइकून को अलग है बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को अलग है पॉलिटिशियंस को अलग है ये सारे सेलिब्रिटीज़ हैं और मेरे पास नेता अभिनेता बड़े बड़े बिजनेस टाइकून सभी हैं तो सबके इश्यूज़ अलग होते हैं लेकिन इन सब में जो कॉमन चीज़ है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेना एक्सेप्टेंस कम और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा और एक हर समय फियर ऑफ़ मिसिंग आउट में जीना एंड प्लस जितना हेल्दी हमें बाहर से लगता है कि ये इतना फ़िटनेस का ध्यान रखते हैं उतना ही अनहेल्दी भी है अल्कोहल जैसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना इतनी ज़्यादा लेट नाइट पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो उसके लिए कुछ तो हैं ऐसे जो बहुत फिटनेस फ्रीक के हैं लेकिन मोस्टली क्या है कि स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग हो जाना कई बार अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना कई बार लेट नाइट शूट्स भी हो रहे हैं तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहना तो अपने अपने इश्यूज सबके अलग अलग होते हैं मैम वैसे जैसे कहा जाता है कि वी आज ह्यूम हम लोग कभी नहीं हो सकते वेट एनी थिंग तो मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कुछ वेज हैं क्या दैट यू प्रैक्टिस टू टू स्टे एंड स्टेबल योर माइंड देखिए क्या है कि ये बिल्कुल सच है कि हम ह्यूमंस कभी फील नहीं करते और ये रियलाइज़ हम सबको होता है लेकिन तब होता है जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स गले पड़ जाती हैं और उस वक्त एक ऐसा मोमेंट आता है ऐसा लगता है कि बस ये इश्यूज़ चले जाएं और जो है हमारे पास जितना है उसमें हम सेटिस्फाइड रहेंगे लेकिन कुछ मोमेंट के बाद जब प्रॉब्लम सेटल हो जाती है फिर तो फिर तो से प्रेशर बढ़ जाता है हाँ फिर से प्रेशर बढ़ फिर जाता फिर है फिर से चाह बढ़ जाती हाँ। है ये भी एक लूप है बिल्कुल सो ये ना थोड़ा सा टफ होता है लेकिन जैसे अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको अपने लिए एक फिनिश लाइन तो सेट करनी ही होगी तो जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं और जब तक सुशांत सिंह जिंदा थे तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि वो अपना जो भी अवार्ड वगैरह था उनके घर में एक कॉफ़ीन था उसमें वो डाल के रखते थे ऐसे कि ये मेरे पर स्टारडम चढ़े ना ऐसे आप लोगों ने बहुत कॉमन रिसोर्सेज से सुना होगा पढ़ा होगा उनके बारे में कि वो चाहते नहीं थे कभी भी कि उनके ऊपर स्टार्डम चढ़े हालांकि जो अभी उनकी लाइफ के साथ हुआ वो एक थोड़ा सा एक ऐसा एक क्लियर मैटर नहीं है बट यस ऑफकोर्स उनको मेंटल हेल्थ इशूज़ तो थे ही तो उसको हम टच नहीं करते लेकिन उनकी एक खास बात जो थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वो कभी भी स्टार्डम अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना चाहते थे और हम्बल रहना चाहते थे यानी कि जो आया उसे एक्सेप्ट किया सेलिब्रेट किया और ख़त्म हुआ वो चीज़ और मैंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना बट जो भी स्ट्रगल आई होंगी खैर उनका जो एंड हुआ वो एक अलग बात है बट हम सब किसी ना किसी से कुछ तो अच्छा सीख ही सकते हैं तो जैसे मैं पर्सनली क्या प्रैक्टिस करती हूँ ग्रैटिट्यूड बहुत प्रैक्टिस करती हूँ ग्रैटिट्यूड यानी कि आप हर समय एक कृतज्ञता के भाव में हैं क्योंकि जिस जिन हालातों में मैं पैदा हुई थी उस हालात में सपने देखना भी इतने बड़े एक ऐसा लगता था आ, कोई ऑफेंडेड फील करा सकता है आपको कि औकात में रह के सपने देखो ठीक है ना और जिस तरीके का मेरा चाइल्डहुड था तो उसमें कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की अपनी लाइफ में इस लेवल तक पहुंच सकती है ठीक है तो वो एक सपने जैसा ही होता है तो अब क्या है कि अगर हम इस लायक बन गए तो अगर आप उसमें ग्रैटिट्यूड में जीना शुरू कर देते हो तो अपने आप ही आपको सेटिस्फैक्शन आने लगता है आप भागने वाली जो दौड़ है जिसमें आप शामिल होते हो आप उसमें धीरे 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 देखने लगते हो कि दूसरे लोग जो इतनी तेज़ दौड़ रहे हैं सेंसलेस है या रही है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैसा मत कमाओ या आप ऊंचाइयों पर मत जाओ मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती लेकिन आप जितना कमा रहे हो जितना आप कर पा रहे हो आप अपने आप को एक्स्ट्रा प्रेशराइज मत करो क्योंकि दिन में चौबीस ही घंटे हैं ठीक है कि आपकी एक लिमिटेशन है तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली आपको सेटिस्फाइड करना स्टार्ट कर देती है फिर भी आप थोड़ा प्रेशर फील करते हो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कभी कभार आ वो काम को लेकर या पैसों को लेकर रिलेशनशिप्स को लेकर कभी फील हो रहा है यार सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है देखिए क्या होता है कि जितना आपका अच्छा मैनेजमेंट होता है उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस एलिमेंट कम होता है तो हमने अपने सेटअप पर इतना अच्छा एक सिस्टम बना रखा है मैनेजमेंट कि वहाँ पर हमें किसी ऐसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता मनी से रिलेटेड या कुछ भी अपॉइंटमेंट्स जैसे ऑलरेडी वन वन ईयर तक की वेटिंग जाती है इवन सेलिब्रिटी और वी अपॉइंटमेंट्स पर भी महीनों की वेटिंग जाती है और नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स जो कि मैंने सेलिब्रिटी और वी देखने के बावजूद भी आज इसलिए बंद नहीं किए क्योंकि मुझे किसी सेलिब्रिटी ने इस मुकाम पर नहीं पहुँचाया था मुझे पहले नॉर्मल इंसान मिले थे जो नॉर्मल लोग थे उन्होंने मुझे बनाया था और उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं किसी की लाइफ में डिफरेंस ला सकती हूँ तो आज भी इतने वी और सेलिब्रिटी क्लाइंट देखने के बाद भी मैं नॉर्मल क्लाइंट्स भी देखती हूँ उनके भी कुछ स्लॉट्स रिजर्व रहते हैं तो उस पर भी एक एक साल की भी वेटिंग चली जाती है hmm. तो अभी क्या है कि हमने अपना मैनेजमेंट ही इतना अच्छा बना रखा है जैसे भाई लोगों की टीम है पूरा सेटल है तो मेरे पास जो फाइनल hmm. प्रोसेस होकर आता है तो मुझे hmm. सिर्फ क्लाइंट से देखना होता है मिलना होता है उसके इश्यूज़ को समझना होता है रिजॉल्व करना होता है उसके बाद का जो पूरा प्रोसीजर होता है उसके लिए अलग 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 टीम मेम्बर्स हैं जो कि उनको अलोकेट कर दिए जाते हैं जब सबको एक पर्सनल असिस्टेंट मिलता है वो उनके इश्यूज को हर समय एड्रेस करने के लिए हो रहता है तो मेरे साथ अपॉइंटमेंट्स होते हैं वीकली टेन डेज में इस तरीके से और बाकी सब एक टीम बना रखी है तो मैंने अपने ऊपर प्रेशर बहुत कम ले रखा है अगर मैं ये सोचूं तो कि, तो कि दो सब सोचूटिकली प्रेशर कम ही हो जाएगा जब इतनी बड़ी टीम आप कर रहे हो शर, के लिए मैं प्रेशर नहीं लेती कि मुझे ये शौक नहीं है कि मुझे ही हर चीज में कूदना है मैं अपनी टीम पर बहुत भरोसा करके चलती हूँ

फिर आप सही नहीं मानते ज़्यादा चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब एक्सपेक्ट करना मैंने अभी आपको क्या बोला मैंने बोला कि मैं तो इस चीज़ के बहुत फेवर में हूँ कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक जाओ और आप वो सब चीज़ें अचीव करो पर सेम टाइम आपको प्रेशर नहीं लेना है आपने कोई चीज़ आज एक्सपेक्ट की आज आपने बीज डाला कल आप सोचो पेड़ बन जाएगा कैसे हो सकता है hmm. पॉसिबल नहीं है ना आप बीज डालो बट पेशेंस भी तो रखो वो पेड़ बनेगा लेकिन अगर आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालोगे ज़रूरत से ज़्यादा खाद डाल दोगे तो वो पेड़ बनने से पहले ही मर जाएगा तो ऐसे ही हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्सपेक्ट करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन एक्सपेक्ट एकस्पेक, एक्सपेक्ट करने के साथ साथ पेशेंस रखना भूल जाते हैं ये प्रॉब्लम है तो वो मैनिफेस्टेशन के उसमें प्रोसेस में कई बार हमारे थॉट्स इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं हम अपना बार 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 थॉट प्रोसेस चेंज करते रहते हैं आज ये ट्राई कर लिया कल वो ट्राई कर लिया तो अगर आप एक गाड़ी में बैठे हैं और आप ड्राइवर को बार बार बोल रहे हैं लेफ्ट ले ले राइट right ले ले चल स्ट्रेट ही ले ले चल वापस घुमा ले ऐसे ले ले कहाँ पहुँचाएगा वो आपको नहीं, नहीं पहुँचाएगा अगर आप भरोसा कर कर पेशेंस रखकर कि भाई मुझे डेस्टिनेशन पर पहुँचना है और मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा मैं क्योंकि आप ओवर स्पीड करेंगे तो मरेंगे आप तो ऐसे ही जो मैनिफेस्टेशन की आप बात कर रहे हैं मैं इसमें बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई खास ऐसा लॉ नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है जो हर समय एक्टिव है और अट्रैक्शन में एक्शन है विदाउट एक्शन कोई रियलिटी नहीं बन सकती है सो so, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी मैनिफेस्टेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं बिलीव किस में करती हूँ क्योंकि मैंने एक सपना देखा कि मुझे अपने मेहनत से ऊंचाइयों पर पहुंचना है और मैंने उसके लिए मेहनत करी और पेशेंस रखा क्योंकि मुझे फर्स्ट डे कोई सेलिब्रिटी क्लाइंट नहीं मिल गया था पहले मैंने नॉर्मल क्लाइंट से हैंडल किए उनको मेरा काम अच्छा लगा फिर मुझे उनसे और हाई क्लास रेफरल्स मिले और एक दिन ऐसा आया कि मेरे एक क्लाइंट ने और मुझे सीधा एक क्रिकेटर से कनेक्ट करा दिया अच्छा ठीक है तो कहीं ना कहीं से तो कोई ना कनेक्शन निकलता है ना अब वो कनेक्शन करा दिया अब क्रिकेटर के तो दोस्त भी उसी लेवल के होंगे उन्होंने मुझे दूसरे से कनेक्ट कराया थी इससे चेन बनती चली गई ठीक है तो अगर मैंने पहले वो ना देखा होता पर्सन को और ऐसे अंडर एस्टिमेट करके उनको ढंग से ट्रीट ना करो कि अरे यार इसके इसकी क्या कनेक्शन होंगे सही बात है आपको नहीं पता कि अंदर जो सिंपल दिखने वाला आदमी है उसके कितने बड़े बड़े कनेक्शन होते हैं सही बात तो सबको हम बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है मेरे हर एक टीम मेंबर को कि अगर किसी वजह से कोई बिल्कुल लो कैटेगरी का भी पर्सन आता है ना क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भाई मुझे ठीक होना है मैं इन्हें अफोर्ड कर लूँ वो कैसे कैसे तुम्हारे पास आया होगा उसके प्रति एम्पैथी रखो उसे इतनी इज्जत से ट्रीट करो अगर हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है मेरा हर स्टाफ नीचे गार्ड से लेके ऊपर तक उसको जी जी करके इतने अच्छे से एस्कॉट करके ट्रीट करते हैं hmm. ये नहीं कि कोई सेलिब्रिटी और वीआईपी क्लाइंट्स कोई उनको भी ऐसे करते हैं यू नेवर नो ना कि कौन क्या आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है मैम ट्रीटमेंट में थोड़ी मेडिकेशंस की बात करते हैं आप यूज़ करते हो मेडिकेशंस क्योंकि बहुत सारा एक ये मिथ है आप पता नहीं क्या है कि जैसे हम ऐसी मेंटल हेल्थ की मेडिसन्स खाते हैं तो वो इवेंचुअली बैड ही इफेक्ट आता है उसका लॉन्ग टर्म में देखा जाए और कभी कभार ठीक भी नहीं होता तो आपका ट्रीटमेंट कैसे रहता है मेडिकेशंस के थ्रू ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है आप बातें ज़्यादा करते हो क्या कैसे रहता है ओके okay, जैसे हम लोग ना मेडिसिन uh, को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग थेरेपीज़ करते हैं तो नॉर्मली जो हमारी बातें भी लगती हैं किसी इंसान को वो बातें नहीं होती उस बात में भी एक थेरेपी होती है क्योंकि बात करते करते हम आपका सोचने का गलत तरीका पकड़ लेते हैं आपके इमोशन फील करने के पीछे का कॉज पकड़ लेते हैं और फिर उस बात बात में ही उसको घुमाकर डिफरेंट एंगल से आपको सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं आपको एक नया डायरेक्शन देते हैं कि आप देखो ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से देखोगे सोचोगे तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी तो हम लोग मेडिसिन नहीं देते हम लोग थेरेपी करते हैं जैसे सी है एक थेरेपी कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी जिसमें हम इंसान के थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं एक्सपोजर थेरेपी है जिसमें हम जो भी आपकी लाइफ के चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको हम कहते हैं फेस करिए जाकर डर है उनको एक्सपोज कीजिए हम एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी करते हैं कि एक्सेप्ट करो जो हुआ एंड आप कमिटेड रहो कि इसके बारे में आपको सोचना नहीं है और थॉट आ भी रहे हैं तो आने दो अब आपके अदर वैल्यूज़ एरिया में फोकस करो इस तरीके से डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी है जो इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाती है माइंडफुलनेस सिखाती है हिप्नोथेरेपी है एन हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो ये अलग अलग जैसे एन एल पी न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कि आपके माइंड में कोई भी मेमोरी है उसका एक स्ट्रक्चर है जिसमें ऑडियो भी है विजुअल भी है आपकी कैनेसिटिक यानी कि कैने फीलिंग्स भी हैं तो हिप्नोथेरेपी की और एनएलपी की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम माइंड में जाकर मेमोरी की ओरिजिनल फॉर्म को रिप्लेस कर देते हैं तो ये सब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ केस बताओ हाँ मैं आपको केस बताती हूँ जैसे एक केस मैं आपको बताती हूँ कि एक लड़की का केस है ये अब उसके दिमाग में उसके बचपन की एक मेमोरी स्टोर थी कि उसके घर पे एक अंकल आते थे अब वो अंकल आते थे थोड़े से सस्पिशियस टाइप के अंकल थे जैसे फादर की एज के थे लेकिन उसको एक डाउट रहा कि मेरे अंदर एक मेमोरी है जिसमें कि वो अंकल जब आते थे तो मुझे गोद में बिठा लेते थे और मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकतें करते थे इस तरीके से उसको एक मेमोरी रिफ्लेक्ट हुई जिसकी वजह से उसे आज क्या प्रॉब्लम हो रही थी आज उसकी वजह से उसको किसी भी मेल के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है वो जैसे ही किसी भी जैसे उसका बॉयफ्रेंड बना उसके क्लोज जाने की कोशिश की उसने तो उसे बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ मतलब उसने उसको कभी भी अपने क्लोज़ नहीं आने दिया तो इस तरीके से उसको लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ रही थी घर में शादी की भी बात चलती कभी भी कुछ इस तरीके की तो क्या होता वो एकदम से डर जाती थी शादी से नहीं डरती थी शादी के बाद क्लोजनेस से डरती थी कि शादी के बाद तो क्लोजनेस कैसे मैं वो करूँगी तो ये उसको स्ट्रगल आ रही थी तो अब पूछा कोई अब्यूज़ हुआ आपके साथ बोलने लगी मुझे क्लियर कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कोई अब्यूज़ हुआ है या कुछ भी ऐसा है तो हमने कहा ठीक है तो फिर कुछ और बड़े होने में कुछ लड़के ने बदतमीजी करी हो या कहीं कुछ आपने वीडियो देख लिया हो या किसी फ्रेंड से शादी की बात का कोई एक्सपीरियंस सुन लिया हो डर गए हो आप उससे ऐसा भी कुछ नहीं निकला उसने बोला लेकिन मुझे धुंधला धुंधला याद है कि हमारे घर एक अंकल आते थे और मुझे गोदी में बिठा लेते थे और मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता था ऐसे hmm. अब जब हम उसको हिप्नोथेरेपी में वापस में ले गए और उसको वो मेमोरी जब वो तकरीबन छः साल की थी उसको वो चीज़ याद आई तो उसने वो चीज़ें देखी तो उसने देखा कि हाँ सच में एक अंकल आते थे और मुझे गोदी में बिठाते थे वो इस तरीके से और थोड़ा सा ऐसे सहलाते रहते थे इस तरीके से यहाँ पर भी सलाह देते इस तरीके तो उसको वो चीज़ याद आई कि अच्छा मैं इसलिए अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ है ना तो वो तो अवेयरनेस आ गई वहाँ से और उसको समझ में आ गया कि आज के डिस्कम्फर्ट का कनेक्शन क्या है मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे प्रोटेक्ट करना चाह रहा है क्योंकि मैं उस वक्त अनकंफर्टेबल फील करती थी तो वो आज भी मुझे दूर कर रहा है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को इतनी सेंस नहीं है ना कि ये इश्यू होकर ख़त्म हो गया वो तो बार 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 जब भी कोई सिमिलर सिचुएशन में आप जाओगे आपको रोकने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर हमने उसको मेमोरी को किस तरीके से रिप्लेस किया उन्हें बोला तुम्हारे पास विजुअल्स हैं उसके उसने बोला हाँ है अच्छा उसमें कोई फीलिंग आ रही है उसने बोला मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ वो कोई ऑडियो है तो बोलने लगे ऑडियो कोई नहीं अंकल कुछ नहीं कह रहे ना मैं कुछ कह रही हूँ बस मुझे एक फीलिंग सी फील हो रही है और मुझे वो धुंधली धुंधली सी वो चीज़ें दिख रही हैं लेकिन इतनी क्लियर है कि मैं समझ पा रही हूँ अंकल का चेहरा देख पा रही हूँ मैं कि वो कैसे मेरे को ऐसे सहला रहे हैं तो अब ये एक्चुअल में हुआ था उसके साथ हम पास्ट में रियल में जाके तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम कॉन्शियस माइंड से परमिशन ले लेते हैं कि क्या इस मेमोरी को हम रिप्लेस करें तो इज इट फाइन क्योंकि कॉन्शियस माइंड को ही सच में पता है कि ये सच है या झूठ है और उसी से आपने परमिशन ले ली और सबकॉन्शियस माइंड को जो आप स्टोरी सुनाएंगे उसके लिए वही सच है तो अब हमने उसको हिप्नोसिस में सजेशन दिया कि देखो आप उन अंकल की गोदी में बैठी हुए हो और वो अंकल आपको प्यार से इस तरीके से टच कर रहे हैं जेंटली और आप स्माइल कर रहे हो और जैसे ही अंकल ने इस तरीके से और प्यार से आपको टच दिया आपको ऐसा लगा कि जैसे आपकी मम्मा आपको बुला रही है जरा अपने कानों में अपनी मम्मा की आवाज़ सुनो और आप अंकल की गोदी से उतर कर हैप्पीली वहाँ से एकदम से चले गए उसके बाद आप जाकर खेल रहे हो अच्छी तरीके से तो हमने ये मेमोरी को रिप्लेस किया उसके दिमाग में अब ये हुआ नहीं था सच में लेकिन हमने उसके दिमाग को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत क्लियरली विजअल फिट करे एक ऑडियो डाला उसकी मम्मी की आवाज़ का और हमने उसको हंसा दिया वहाँ पर तो हमने उस मेमोरी को इस तरीके से रिप्लेस किया अब अगर लॉजिक लगाएंगे इसमें तो वो कभी अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएगी तो कुछ चीज़ें बियॉन्ड लॉजिक होती हैं और सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक में डील नहीं करता है उसे तो जो स्टोरी आप सुना रहे हैं और वो उसको इमेजिन कर रहा है वो सब चीज़ें तो इमेजिनेशन रियलिटी को एक ही मानता है तो वहाँ पर वो मेमोरी को हमने रिप्लेस कर दिया और फिर उसको हमने एक्सपोजर थेरेपी भी कंबाइन की कि अब जाओ जो आपका फ्रेंड है थोड़ा उसके क्लोज बैठो थोड़ा हाथ पकड़ो उसका कंफर्टेबल फील करो भाई आप उससे शादी करना चाहते हो तो आपको थोड़ा तो उसके लिए बहुत ही ईजी था पोस्ट थेरेपी जब वो नेक्स्ट डे अपने उससे मिली बॉयफ्रेंड से जिससे वो शादी करना चाहती थी उसके लिए उसका हाथ पकड़ना उसके क्लोज बैठना बहुत आसान था और धीरे धीरे कुछ दिनों में ही वो क्लोज उसको हक भी करने लगी नॉर्मल हो गई बिल्कुल अच्छा मैम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था एक टर्म था गैस लाइटिंग जो हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे मैं चाहता हूँ वो केस आप कैमरा पे बताओ क्योंकि वो बहुत ही यूनिक और नई चीज़ थी हम सब के लिए तो उस केस के बारे में बात करते हैं तो गैस लाइटिंग का एक केस है ये एक फीमेल का है गैस लाइटिंग होता क्या है ये भी आप एक्सप्लेन कर दो ऑडियंस के लिए गैस लाइटिंग एक डार्क साइकोलॉजी की एक ट्रिक होती है जिसमें पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर दिया जाता है वो खुद की मेमोरी पे डाउट करने लग जाता है उसको बार 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 ऐसे सिनेरियोस क्रिएट कराकर उसको खुद के प्रति ही इतना ज़्यादा डाउट में डाल दिया जाता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस जा रहा है और एक इंसान अगर अपनी मेमोरी पर डाउट कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस जा रहा है तो उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ेगी बिगड़ेगी सो गैस लाइटिंग वैसे एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है जिसमें कोई आपका क्लोज ही पर्सन आपको बार बार झूठी कहानी सुना रहा है ज़बरदस्ती के सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है जो बातें हुई हैं उसे डिनाई कर रहा है और बार 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 आप जो भी कुछ सही कर रहे हैं उसमें कमी निकाल कर आपको री इन्फोर्स कर रहा है कि आप गलत कर रहे हैं तो ये होती है गैस लाइटिंग वो किसी के साथ भी हो सकती है तो जैसे इसका एक केस है कि एक लेडी बहुत सीवियर डिप्रेशन में चली गई तो जब वो मेरे पास आई तो उनसे डिप्रेशन का हम सब कुछ जानने के लिए पूरा उनकी लाइफ की हिस्ट्री ली तो पता चला कि हुई तो थी उनकी लव मैरिज वो लेडी जो थी वो इंजीनियर थी उसका हस्बैंड भी इंजीनियर था जहाँ पर उसका हस्बैंड जॉब करता था वहीं पर एक न्यू जॉइनिंग लड़की आई और उससे उसका अफेयर हो गया अब उन दोनों का अफेयर हो गया तो उन लोगों का लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई कि शादी वादी करेंगे अब लेकिन इससे बोला मैं तो फंसा हुआ हूँ मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई हुई है और घर वालों से भी क्या बोलूँ लव मैरिज वैसी हुई भी है कैसे छोड़ू उसे तो उन लोगों ने मिलकर ये प्लानिंग करी कि अगर हम तुम्हारी वाइफ को पागल साबित करते हैं तो फिर डाइवोर्स बहुत आसानी से घर वाले ही करा देंगे तो उसने ऐसे जैसे वो टिपिकल सास बहू के सीरियल नहीं होते वहाँ से लेकर आइडिया उसने लिया वो खाना बनाती तो उसमें वो नमक तेज कर देता और फिर नमक तेज़ कर देता और वो चक्कर देखती उसको ये लगता मैंने तो जब खाना बनाया था मैंने चखा था तब तो नमक ठीक था ये इतना तेज़ नमक कैसे हो तुम्हें ध्यान नहीं रहा होगा तुमने चखा नहीं होगा आज और ये तुमसे ज़्यादा हो गया तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रही हो शायद तुम्हारे पास जॉब का प्रेशर है इस तरीके से उसको बार बार री इन्फोर्स किया कि तुम स्ट्रेस में हो इसलिए तुम्हें याद नहीं रहता है उसको इतना री किया उसकी मेमोरी के लिए कि तुम्हें याद नहीं रहता है क्योंकि तुम स्ट्रेस में हो स्ट्रेस में हो याद नहीं रहता अब जब सौ बार आप किसी को ऐसे बोलोगे तुम स्ट्रेस में हो तुम्हें याद नहीं रहता तो मुझे लगने लगेगा कि हाँ मैं घर भी संभाल रही हूँ मैं जॉब पर भी जा रही हूँ तो मैं शायद सच में ही स्ट्रेस में हूँ और इस तरीके की जैसे वो प्रेस करके कर जाती तो प्रेस अगर वो ऐसे खड़ी करके रखी गई है तो वो ऐसे रख देता उस पर कि देखो तुमने क्या किया अब आजकल तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है तुमने कपड़ा जला दिया अभी कोई घर में हादसा हो जाता तो, तो क्या होता इस तरीके से उसने करना शुरू कर दिया छोटी छोटी बातों में इस तरीके से करना शुरू कर दिया बटन जैसे एक तोड़ा उसने अपने शर्ट का बटन और उसको बोला बटन लगा दो अब उसने लगा के रख दिया बटन लेकिन उसने फिर वहां से तोड़ दिया उसने बोला तुमने बटन नहीं लगाया अभी तक मेरी शर्ट का मैं तुमसे बोल कर गया था मुझे जाना था ऐसे छोटे छोटे डेली की एक्टिविटीज़ से उसने धीरे धीरे उसकी मेमोरी पर उसको डाउट करा दिया उसको लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ में पागल वो इतना ज़्यादा एंशियस फ़ील करने लगी हर सब उसको घबराहट घबराहट सी महसूस होने लगी बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा रोने लगी क्या कहे किससे क्योंकि उसकी खुद की कंडीशन ऐसे बिगड़ रही थी उसको रात को नींद नहीं आए वो इतना ज़्यादा एंशियस उसने बोला मेरे को मेरी हार्ट बीट सुनाई आती है इतना ज़्यादा मैं एंशियस फील करती हूँ उसको रात को नींद नहीं आ रही उसको रात को सपने भी ऐसे ही आ रहे हैं कि मैंने दूध चढ़ाया था और दूध उबल उठ के निकल रहा है और जो है ना मैं मतलब गैस बंद करना भूल गई ये उसको है तो वो क्या करे उठ उठ के चेक करने जाए क्योंकि उसको डाउट हो रहा है अपनी मेमोरी पर कि मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर रही हूँ वो अपना पर्स भी रखे तो बार बार उसको भी चेक करने लग जाए कि मैंने कुछ नहीं किया ठीक से तो ऐसी उसकी हालत हो गई अब ये पता कैसे चला कि उसका हस्बैंड हसबेंड ऐसी हरकत कर रहा था तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारी हस्बैंड से बॉन्डिंग कैसी है तो उसने बोला ठीक है वो तो केयरिंग है वो तो मैं इतना नॉनसेंस सेंस उसके बावजूद भी मेरे को झेल रहे हैं मेरे साथ रह रहे हैं तो मैंने बोला अच्छा और कुछ चेंजेस आया उनकी लाइफ में कुछ ऐसा मैं लगी हाँ आजकल बहुत बिजी रहते हैं ऑफिस से बहुत लेट आते हैं और आजकल उनकी टूर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आजकल उनकी कंपनी उनको ना बहुत ज़्यादा बाहर भेजने लगी है अब इतना सिग्नल काफ़ी होता है कि घर में जो है ना ऐसा हो रहा है और ये सब है यहाँ भी पकड़ लेती है है ना तो नहीं बीवी पकड़ा 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 ने नहीं था आप बिल भी तो भरोसा कर रही है उस टाइम पर क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब थी कि वो साइंस नहीं पकड़ पा रही थी इसीलिए तो हमें एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है कि जो हम साइन नहीं पकड़ पाते कोई पर्सन जो नॉर्मल स्टेट में है वो पकड़ सकता है तो मैंने बोला कि अचानक से उनकी ट्रिप्स बढ़ गई उनकी कंपनी उन्हें बाहर भेज रही है पहले नहीं भेजती थी या फिर वो लेट आने लग गए हैं तो एक काम करो आप ना अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके किचन में छुपा के रखना जब इस बार खाना बनाओ और खाना बनाते ही निकल जाना वहाँ से ठीक है और ऐसे प्रटेंड करना कि कहीं काम में बिजी हो इसी तरीके से बेडरूम में भी ऐसे करना एक मोबाइल और ख़रीद लो एक बेडरूम में लगा दो तो और इस तरीके से लगाओ और उसमें कुछ रिकॉर्ड हो तो मुझे बताना और इतना शॉकिंग था उसके लिए जब उसने इस तरीके से करा और उसका हस्बैंड ही ऐसी मतलब कहते हैं ना लिटरली जली हरकत कर, कराता उसके साथ तो वो जब पता चला उसका तो मैंने कहा ये गलती बिल्कुल मत करना उसको बताने की क्योंकि वो तुम पागल साबित करने के चक्कर में और भी कुछ बड़ी हादसा कर सकता है तुम्हारे साथ हो सकता है गैस ही खुली छोड़ दे आग लगा दे या कुछ भी ऐसा कर सकता है वो तो तुम ऐसा मत करना तुम अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो और लगी कैसे बताओ मैंने तो लव मैरिज की है तो बताना तो पड़ेगा ये जान प्यारी है तो बताना पड़ेगा ये आपको तो फिर उसके पेरेंट्स को हमने पूरा कॉन्फिडेंस में लिया बताया कि सबसे पहले आप अपनी बेटी को अपने घर लेकर जाओ अगर इसको जिंदा देखना चाहते हो तो क्योंकि जो आदमी इस तरीके की हरकत कर सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है तो जब माँ बाप अपनी बेटी को लेकर गए उसके बाद मैंने कहा सेपरेट करो इनको डाइवोर्स देखना आ जाएगा बाद में जो होगा होगा बट इसकी जान बचाओ तो ऐसे गैस लाइटर्स करते हैं क्रेजी यार ये तो अलग ही केस है बिल्कुल एक लव बॉम्बिंग का केस आया ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्या होता है मैम ये भी डार्क साइकोलॉजी की एक टेक्निक होती है एक लड़की जो विलेज बैकग्राउंड से थी तो वो अपना डेली गई कोचिंग करने के लिए तो अब डेफिनेटली सबके आंखों में सपना होता है ये डेली जाएंगे ये लाइफ होगी बहुत कुछ सुन रखा होता है अच्छा अच्छे ज़मींदार घर से थी वो पैसे वैसे अच्छे थे उसके पास तो एक लड़का वहाँ पर उसको कोचिंग में मिला और वो भाँप गया कि इस लड़की को यहाँ के बारे में कुछ ऐसा आइडिया नहीं है और इसको कोई ना कोई तो सपोर्ट चाहिए और ये पैसे वाली भी है और उसने क्या किया उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आप यहाँ पर नए हो हम लोग तो यहीं के लोकल के हैं और हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से बहुत डिसेंट नाइस बॉय जैसे होता है ना बिल्कुल अच्छा सा बच्चा hmm. उस तरीके से उसको पैम्पर करना ट्रीट करना स्टार्ट किया अब पैंपरिंग और ये सब तो अच्छा ही लगेगा खासतौर से एक विलेज बैकग्राउंड की लड़की जो आ रही है उसको ऐसी ऐसी जगह लेकर जाता वो जो उसके लिए बड़ी फैसिनेटिंग होती कि अच्छा ये भी दुनिया है मैंने तो देखी नहीं इस तरीके से और इतना डिपेंड कर लिया उसने उसको वो लड़की वहाँ आने का पर्पज़ ही भूल गई उसके साथ ही घूमना फिरना अच्छा मेरे पास इतने पैसे नहीं कोई बात नहीं मेरे पास पैसे हैं लड़की अपने पैसे खर्च करने लग गई उस पर और हर समय बस उसकी दुनिया वो ही लड़का बन गया वो जो तैयारी करने आई थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो सब उसका बिल्कुल बैक हो गया पीछे हो गया कोई और फ्रेंड ना बनने दे वो उसको <laughs> वो हर समय उसको इतना बिजी रखे फ़ोन कर कर करके या उसको पैम्पर करके और जब उसने उसके काफ़ी सारे पैसे ऐंठ लिए उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया उसको पूरा वो करके उसका तो पर्पस पूरा हो गया जब उसने उसको टाइम देना कम कर दिया क्योंकि ऐसे लोग तो टारगेट ढूंढते हैं ना अब एक टारगेट से जितना मैं ले सकता था निचोड़ सकता था निचोड़ लिया अब कोई दूसरा टारगेट मेरी नज़रों में आ गया तो वहाँ पर क्या हुआ उसने उसको टाइम देना टेंशन देना कम कर दिया अभी लड़की तो पूरी तरीके से अडिक्ट हो चुकी थी डिपेंडेंट हो चुकी थी उसकी तो इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी लेकिन इसको जब तक शिकार समझ में आता कि शिकार हो चुकी है लव बॉम्बिंग का बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो अपने पैसे से बहुत नीचे आ गई थी घर वालों से बार बार पैसे मंगा रही थी और अपना भैया एक लड़की का ऐसा है कि वो फिजिकल भी हो गई किसी के साथ तो उससे बड़ा ज्यादा वो फील हो रहा था कि अब मेरा क्या होगा नॉलेज इस तरीके से घर वालों को पता चल गया किसी को बता भी नहीं सकते ना आप कि आपसे ऐसा हो गया तो ये लव बॉम्बिंग का शिकार होकर वो लड़की डिप्रेशन में चली गई तो उसने बोलने लगी मेरा मन कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ और फिर इस तरीके से आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे अंदर एक वो जगी कि भी मेरे माँ बाप का क्या कसूर है कि उन्होंने तो मुझे विश्वास से यहाँ भेजा था कि मैं एक बार मिल लेती हूँ क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ कि मुझे पता नहीं है कि मैं ठीक होंगी नहीं होंगी लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता तो इस तरीके से वो इस उम्मीद के साथ कि मेरे दिमाग से ये बात निकल जाएगी जितना मैं आपको नॉर्मली बता पा रही हूँ वो लड़की की हालत बहुत ख़राब थी वो मतलब मेरे साथ रोती ही रही रोती ही रही बहुत बुरी तरीके से इतना डिप्रेस थी वो लड़की क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि एक टाइम तो आपने उसको बिल्कुल इतना ऊँचा ले गए और ऊपर से नीचे फेंक दिया बिल्कुल आपने उसे hmm. तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक मैम नार्सिसिस्ट भी एक टर्म होता है वो भी आप बता दो ये भी काफी नार्सिटिक अब्यूज भी आजकल बहुत कॉमन है नार्सिस्टिक पर्सन एक वो पर्सन होता है जिसको ये लगता है मेरे से बेटर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं मैं ही हूँ जो हूँ मेरे कंट्रोल में सब रहना चाहिए मेरी चलनी चाहिए और वो पर्सन भी आपको अपने ऊपर डिपेंड करना चाहता है वो भी ये चाहता है कि आपका सारा सोशल कनेक्शन सबसे टूट जाए ताकि उसकी डोमिनेंस आप पर चले तो नार्सिस्ट आदमी के साथ रहना ऐसा होता है जैसे आप नर्क में रह रहे हैं इतना ज़्यादा वो होता है क्योंकि वो मान लीजिए आपका फादर है आपकी मदर है या आपका स्पाउस है तो कितनी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी ना क्योंकि रोज़ झेलना है आप किसी से मिले कहीं सोसाइटी में नार्सिस्ट पर्सन से वो अपनी अपनी गाए जा रहे है अपनी तारीफ करे जा रहे हैं अपनी चलाए जा रहा है आप थोड़ी देर उससे बर्दाश्त करोगे फिर डिसकनेक्ट हो जाओगे आप रिलीफ हो जाओगे थोड़ी देर का स्ट्रेस है गया आपकी मर्जी है नेक्स्ट टाइम मिलो या ना मिलो लेकिन अगर आपका वो फैमिली मेम्बर है जो आपको इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है बार 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 आपकी बात काट रहा है और फिर आपको गिल्ट ट्रिप भी दे रहा है कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ तुम मुझे हमेशा गलत समझते हो सारी ज़िंदगी हमने गला दी तुम्हारे लिए और अब तुम हो कि हमें गलत समझ रहे हो तो ये गिल्ट ट्रिप पर भी ले जाते हैं और इनको डोमिनेंस भी चाहिए तो नार्सिस्ट भी के भी केसेस बहुत आते हैं जैसे एक लेडी आई उसकी मदर इन लॉ बहुत बड़ी नार्सिस्ट तो जब उसकी शादी होकर आई तो मदर इन लॉ का डोमिनेंस की कहानियाँ सभी ने सुनी होती है तो उसको लगा मेरी मदर इन लॉ नॉर्मल ही थोड़ा सा ऐसा है कि मेरी सासू माँ की चलती है घर में लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मदर इन लॉ इतनी बड़ी नार्सिस्ट है कि मेरा ससुर भी कांपता है और मेरा पति की भी कोई हैसियत नहीं है मेरी आस के आगे ठीक है ना तो वो इतनी बड़ी नार्सिस्ट कि हर चीज़ मेरे हिसाब से चलेगी किचन का मैनेजमेंट हो घर का हो कुछ भी हो मेरे डंडे की नोक पर ही सब कुछ चलेगा और नहीं तो चीखना चिल्लाना गाली देना मतलब बुरी तरीके से वो सब चीज़ें इतना ज़्यादा एक्सट्रीम है छोटी छोटी बातों को इतना हाईलाइट करके इतना मतलब ओवर करके पूरा बताना हस्बैंड के साथ इतने लड़ाई झगड़े रहने लगे मार पिटाई होने लगी हस्बैंड वाइफ के बीच में तो पूरा नर्क बना दिया उसने लेडी ने जिंदगी बिल्कुल ऐसे तो ये फीमेल भी हो सकती है नार्सिस्ट और मेल भी नार्सिस्ट हम सब में थोड़ा थोड़ा तो सब में होता है अभी आपको भी तारीफ पसंद है हमें भी तारीफ पसंद सबको लेकिन कोई भी ट्रेट अगर जरूरत से ज़्यादा होता है तो वो फिर एक मतलब प्रॉब्लम हो जाता है किसी के लिए भी सही बात है मैम इस केस में जैसे आपने बताया कि आपके पास कोई आया जिसको प्रॉब्लम दूसरे पर्सन की वजह से हो रही थी तो उस केस में आप क्या सजेस्ट करते हो कि वो सेपरेट हो जाए या क्या करें देखिए सेपरेट होना तो भारत में सबके लिए पॉसिबल नहीं है सही बात ठीक है इसीलिए फीमेल्स खास तौर से बहुत टॉर्चर सहती रहती हैं और तरह तरह की फिजिकल बीमारियां भी उनके शरीर में लग जाती हैं जैसे इतना डायबिटीज़ थायराइड वगैरह आजकल कॉमन है बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है ये सब दिमाग से ही ओरिजिन होता है आपकी सारी की सारी नाइन्टी प्रॉब्लम आपकी दिमाग ही ओरिजिन है उसका तो अलग होना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता तो हम कहते हैं कि आप भाई किसी से असलियत में तलाक नहीं ले सकते तो मानसिक तलाक ले लो यानी कि आप उससे मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाओ उससे आप अगर घर से कहीं दूर जॉब के रेफरेंस में या कहीं पर भी ऐसे रह सकते हो एक डिस्टेंस मेंटेन करो नहीं तो आप अपनी पावर्स बढ़ाओ कन्फ्रंट करने की पावर बढ़ाओ आप जितना सहोगे ये लोग उतने आप पर हावी हो जाएंगे क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप कितने भी पॉजिटिव हो जाए लेकिन अगर हर समय आपके इन्वायरमेंट में अब्यूज़ है इमोशनल फिज़िकल वर्बल किसी भी तरीके के अब्यूज़ है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप नॉर्मल रह लोगे वहाँ पर तो एन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो हम हमेशा कहते हैं कि आप इन्वायरमेंट ठीक करो तो कुछ फैमिली मेम्बर्स तो हमसे बात करते हैं और हम क्या है उनसे बात कर कर बहुत सारी ऐसी चीज़ें इश्यूज़ रिजॉल्व करा देते हैं लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जैसे मेरे पास एक पेरेंट्स आए आते बोले मैडम इसका दिमाग बहुत ख़राब हो गया है इसका दिमाग ठीक कर दो आप जैसे ही उन्होंने ये सेंटेंस और जिस टोन में बोला तो मुझे समझ में आ गया कि दिमाग तो आपका भी ठीक होना है इसका तो दिमाग तो, तो आपके चक्कर में खराब हो रखा है हाँ आप आप जो इस तरीके से टोन में बोल रहे हो बच्चे को लाकर <laughs> तो एक मिनट नहीं लगा समझते हुए कि प्रॉब्लम तो आप में है आप ही की वजह से ये बच्चा टॉर्चर टौर्च, सह रहा है और बच्चे से बात करती सारी की सारी कहानी पता चल गई कि माँ बाप ये चाहते हैं मेरे हिसाब से उठे बैठे सब कुछ मेरे हिसाब से करें मेरे हिसाब से स्ट्रीम लें मेरे हिसाब से सब कुछ करें तो बच्चे को उन्होंने बुरी तरीके से टॉर्चर कर रखा है प्रेशराइज कर रखा है तो अब माँ बाप ने कहा हम में कोई कमी नहीं है आपको इसे ठीक करना है अब बच्चे से हम ये भी नहीं कह सकते माँ बाप को छोड़ना और भाग गया कहीं तो ये मैम इंडियन सोसाइटी है ऐसी मतलब इंडियन पेरेंट्स ऐसे हैं कि भाई हमारे हिसाब तो, से इस केस में आप कह देते हो कि फादर कि मतलब अंकल आप में ही दिक्कत है आप आप ही इसको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो देखिए हम ना बहुत पॉलिश लैंग्वेज यूज करते हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ऐसे ब्लंटली बोल देते हैं तो लोग बड़ा ही ऐसे ऑफेंडेड फील करते हैं और फिर वो क्या करेंगे बच्चे को भी ले जाकर मारे पीटेंगे जैसे एक ऐसा केस हुआ था कि एक लड़की ने आकर अपने पेरेंट्स के बारे में बता दिया था अब पेरेंट्स से मैंने बात करी बहुत सफिस्टिकेटेड तरीके से बात करी लेकिन उन्होंने घर जाकर बच्चे को इतना मारा तो बुराई करने गई थी हमारी माँ पे हमारे को उनकी नज़रों में इतना बुरा बनाई आई बहुत मारा उस बच्ची को बहुत ही ज़्यादा मारा तो नेक्स्ट सेशन में क्योंकि ऑलरेडी प्री बुक सेशन्स रहते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्ची आई मेरे कैबिन में मेरे से हाथ जोड़कर बिल्कुल रोती रोती बोली कि मेरे मम्मी पापा से आप कुछ मत कहना मैं बार बार मार नहीं सकती मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा पापा ने भी मुझे बहुत मारा ठीक है आप उनसे कुछ मत कहना आप मुझे बताओ मैं आपकी हर बात मानूंगी तो हम पेरेंट्स से या कोई भी जैसे हस्बैंड रह रहे हैं हम ये देख लेते हैं कि ये पर्सन डिनाइल में है या ये पर्सन ऐसा है फ्लैक्सीबल है कि ये एक्सेप्ट कर रहा है और चेंज करने के लिए तैयार है अगर जो सपोर्टिव होता है तो उसको बता देते हैं ओपनली कि ये ये इशूज़ हैं और ऐसे ऐसे आप करेंगे चेंजेस तो सब ठीक हो जाएगा लेकिन जो लोग नहीं होते ऐसे तो हम वहाँ पर उस पर्सन की पावर बढ़ाते हैं इमोशनल पावर उसका इमोशनल क्वेश्चन आप अप कर दो उसकी सेल्फ मैनेजमेंट और उसका पीपल मैनेजमेंट को आप अच्छा कर दो तो उससे क्या होता है कि वो कन्फ्रंट करने लग जाता है और उससे जब वो कन्फ्रंट करता है बदतमीजी सहना बंद कर देता है अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करता है तो वहाँ पर सामने वाला भी दबना शुरू हो जाता है क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जैसे एक लड़का था उसके फादर ने उसे बहुत मारा जब तक वो बारह तेरह साल का था बहुत मारा उसे बेल्टों से भी मारते थे उसको इतनी बुरी तरीके से मारते थे तो बच्चे के अंदर सप्रेशन हुआ और एग्रेशन में हुआ जैसे ही वो बच्चा तेरह चौदह साल का हुआ अब वो अपने फादर का हाथ पकड़कर और दे दबा दब उल्टा मारना शुरू कर दिया उल्टा बिल्कुल उसको बुरी तरह से उसका फादर कांपने लगा उसके सामने क्योंकि वो तो अभी जवान बच्चा है धक्का भी दे देगा और उसका हाथ भी बड़ा कैड़ा पड़ा तो फादर को एक बार की पिटाई में समझ में आ गया कि अब इसको जो मैं मारता था ना इतनी बुरी तरीके से अब नहीं चलने का है लेकिन ये नौबत कुछ बच्चों में आती है कुछ लोगों में आती है और कुछ सप्रेशन में चले जाते हैं कुछ में वो सप्रेस्ड एनर्जी एग्रेशन में बदल जाती है और कुछ में सप्रेशन ही रहता है तो दब्बू बन जाते हैं मतलब बत्तीस साल का बच्चा भी मेरे सामने बच्चा ही बना रहा क्योंकि उसके माँ बाप ने इतना दबा के रखा तो वो 32 साल का बच्चा भी माँ बाप के सामने बोल नहीं पा रहा था शादी होने के बावजूद भी दो बच्चे पैदा करने के बावजूद भी वो अपने माँ बाप के सामने बोल नहीं रहा था तो कुछ लोग ऐसे ही सप्रेशन में जीते रहते हैं और कुछ लोग इतना एक्सट्रीम एग्रेशन में चले जाते हैं तो ये नौबत ना आए तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप अपने घर का इन्वायरमेंट चेंज करो नहीं कर सकते हैं तो फिर एक बाउंड्री बना लो मैम क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा हो गया और हम ज़रूर मेक शोर करेंगे आपके साथ हमें एक पार्ट टू भी बनाएं पर जाते जाते अगर हम कुछ टिप्स देते जाएं लोगों को जो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या एंशियस फील कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर उनकी दिल की धड़कन बढ़ रही है अनकंफर्टेबल हो रहे हैं या ओ के सिम्टम्स उन्हें अपने आप में फ़ील हो रहे हैं कि उनके थाट्स बहुत हावी हो रहे हैं तो कुछ टिप्स अगर आप दे दो उनको खुद या तो आइडेंटिफाई करने के लिए या इस चीज़ को अगर वो एक छोटे लेवल पर तो खुद ही ठीक करने के लिए देखिए क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले आपकी लाइफ में कुछ अनरिजोल्व इश्यूज हैं तो सबसे पहले वो आप फाइंड आउट कीजिए क्योंकि बिना बीच के कोई भी पेड़ बन ही नहीं सकते तो कॉजेज़ तो हैं अगर आप एंशियस फील कर रहे हैं आजकल सबको पता है एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं आप डिप्रेस फील कर रहे हैं मतलब अगर आपको दो हफ्ते तक आपका लो मूड बना हुआ है तो आप डिप्रेशन वाले जोन में एंटर कर चुके हैं आपको कोई भी चीज़ ऑब्सेशन वे में बार बार आ रही है तो सबसे पहले है प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्टेंस कि मुझे प्रॉब्लम है उसके बाद आप एक्सप्रेस करना शुरू करो सेल्फ़ एक्सप्रेशन करो सबसे पहले कि क्या हुआ पेपर पेन लेकर बैठ जाओ और लिखना शुरू करो कि आज मुझे ये फीलिंग आ रही है आज मेरे दिमाग में इस तरीके का थॉट चल रहा है मुझे अपना फ्यूचर इस तरीके से डार्क दिखाई दे रहा है इसके पीछे के क्या कनेक्शंस हैं ये हो गया सेल्फ एक्सप्रेशन जो आप पेपर पेन पर कर रहे हो अगर आप सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हो आप किसी भी पर्सन पर जिसपे ट्रस्ट करते हो उसके सामने आप कुछ बातें बताना शुरू करो वो आपसे राइट कुछ क्वेश्चन पूछेगा और करते करते बातों में से बात निकल आएगी जैसे मैं एक क्विक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक लेडी थी उसको ओ हुई तो मैंने बोला तुमको ओ कैसे हुई उसने बोला मुझे याद नहीं है तो मैंने उससे बहुत सारी बातें करी और मुझे पता चला उसके हस्बैंड की बहुत गुस्से वाली नेचर है बोला हस्बैंड तुम्हें बहुत डांटते थे क्या उन्होंने तो बोला हाँ मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि मैं जब भी ऐसे भी बैठ जाऊँ कुछ भी सोचने की कोशिश करूँ तो वो मेरे से बोलते थे क्या सोच रही हो तुम क्या सोच रही हो कहाँ कोई भी हो तो क्या हुआ मैडम मैं बाथरूम में जाती थी और मुझे लगता था कि बाथरूम में तो कोई नहीं आ सकता यहाँ मैं सोच सकती हूँ तो मैं बाथरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गई और वो करते करते मेरा दो तीन घंटे का बाथरूम में टाइम हो गया क्योंकि मुझे वहाँ सोचने में मज़ा आने लग गया तो ये कारण उसे पता चला कि इस वजह से ऐसा हुआ तो आपको कारण पता चलने चाहिए तो मैंने उसको बोला अपने हस्बैंड को कन्फर्न करो बाहर बैठ कर सोचो बाथरूम में कौन सोचता है भाई ठीक है बाहर बैठ कर सोचो अगर हस्बैंड बोले कि कुछ क्या सोचे हो कहाँ कोई भी हो बोलो कि आप नहीं सोचते हो क्या मैं भी सोच रही हूँ कुछ हिम्मत लेकर आओ मुँह में तो जब बाहर सोचना शुरू कर दोगी तो बाथरूम की नीड खत्म हो जाएगी तो जब भी आप एक्सप्रेस करते हो अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हो अंदर जाते हो तो आपको पता चलता है तो जो मैं हमेशा कहती हूँ जैसे मैंने एक बुक भी लिखी है डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप सो उसका जो एक वो है वो है कि डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन तो आप एक्सप्रेस करो पेपर पेन पर करो या किसी दूसरे से करो कोई दूसरा भी मदद करने वाला नहीं है तो आप थेरेपिस्ट के पास जाओ और सेल्फ हेल्प के लिए आज इतना कंटेंट है यूट्यूब पर है बुक्स हैं आपका गूगल भरा पड़ा है पर सेल्फ हेल्प एक लिमिट में ही काम आ सकती है जब आप इनिशियल स्टेज पर हो माइल्ड लेवल पर हो उसके बाद बाजी आपके हाथ से निकल जाती है तो स्टार्टिंग में जो लोग भी फिट रहना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में दो तीन चीज़ें प्रैक्टिस कर लो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन प्रैक्टिस करो डेली आप अपनी सेल्फ टॉक पर नज़र रखो कि आपकी सेल्फ़ टॉक किस क्वालिटी की है और साथ के साथ आप एक हैबिट बनाओ कि कोई ऐसा जन्ना पकड़ो जिससे आप रोज़ आना दिल की बात कर सको रोज़ आना अपने मन की कुछ बात कर रहे हो अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ आप रह सको एंड प्लस आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो अगर आपने ये चीज़ें कर ली और साथ के साथ एक और चीज़ है डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आपकी बॉडी की भी केमिस्ट्री अगर बिगड़ती है तो वहाँ से भी आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी आती है आपका लाइफ ख़राब है आप रात को दो बजे सो रहे हैं तो आपकी सर्केंडिंग क्लॉक बिगड़ जाएगी तो आप अगर अपने लाइफ को ठीक रखते हो आप डाइट ठीक रखते हो इन सब बातों का ध्यान रखते हो तो आपको किसी भी थेरेपिस्ट की किसी भी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनिशियल लेवल पर अगर आपको मेंटेन रखते हैं तो आप सब ठीक रहते हैं बाकी तो इतने थेरेपिस्ट हैं ही बाकी आप भी हो ही एंड ऑडियंस को अगर इस एपिसोड में मज़ा आया तो मैम को इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं और मैम की बुक जैसा कि आप मैम ने बताया और यूट्यूब चैनल सबके लिंक्स हम डाल रहे हैं मैम बहुत ही अच्छा कंटेंट भी क्यूरेट करती हैं जिसको आप अपनी लाइफ में देख ख़ुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आए तो ज़रूर कमेंट करिए पार्ट टू के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें और बची हैं जो हम आपके लिए डिस्कस करना चाहेंगे बट फिलहाल पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें ये पॉडकास्ट इतना वंडरफुल रहा है और इतना ज़्यादा इट वॉज़ सो मच फुल ऑफ नॉलेज एंड विजडम तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लोगों तक पहुँचाएँ फैलाएँ शेयर करें और मैम से कनेक्ट करने के लिए जैसे कि बिशोम ने बोला कि आपको डिटेल्स मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में दैट इज़ इट मैम के साथ अपना मैम एक सेंटर भी बन रहा है हम चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा बताओ हमारी ऑडियंस को ओके okay. जैसे हमारा अभी एग्जिस्टिंग सेटअप है वो भी बहुत बड़ा है उसमें सारी की सारी जितनी भी एडवांस थेरेपी है नॉन मेडिसिन की वो सब अभी भी अवेलेबल है और अभी हमारा एक रीट्रीट सेंटर बन रहा है जिसमें कि और भी एडवांस थेरेपीज जो कि अभी कुछ कंट्रीज में अवेलेबल है और इंडिया में अभी वो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो सब भी हम उसमें लॉन्च करेंगे तो वो अभी आने वाले एक डेढ़ साल में तैयार हो जाएगी क्योंकि बड़ा सेटअप है तो टाइम लग रहा है लवली ऑसम थैंक यू सो मच और से लोग हैं जो हमारे पॉडकास्ट को देखने बिना सब्सक्राइब करें तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में टेल देन अपना ख्याल रखो भाई मस्त रहो मौज काटो दैट इज इट सी यू बाय 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 बाय